प्रवीण 44 नंबर की जर्सी पहन रहे हैं, पहुंच चुके हैं बीच मैदान पे स्ट्राइक लेने के लिए। तरुण गुलाटी बॉलिंग के लिए लेफ्ट आर्म एक रन और इसके साथ रन बनाने का क्रम चालू है। पूरा फायदा उठाया और एक रन चला गया। तो यहाँ पर इनिशिएटिव और हवास के बीच में एक क्रिकेट हवास मीडिया के बीच में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। अगली गेंद लेके तैयार लगता है बहुत ही बढ़िया ढंग से पैक पे लगी है अंपायर सफी की और यह विकेट कलदीप ने की जिसे नकारा गया। आज हमने सुबह देखा भी था कि काफी पिच हार्ड है, गैस उछल के आ रहा है, लेकिन थोड़ी ओवर से आशा करते हैं कि धूप जैसे जैसे और निकलेगी वैसे वैसे जो ओवर है वो सूख जाएगी। वेंकट सर की कप्तानी में हवास वॉरियर्स तैयार अगली गेंद लगे गेंद पर और ये घुमा के दिया है ऑफ साइड में गेंद जा रही है चार रन की ओर। पहला चौका इनिशिएटिव का पहला चौक था जो कि बहुत ही अच्छे ढंग से कट करके मारा गया था, ड्राइव किया था लेकिन कट की स्टाइल में था। बॉल अच्छी आ रही है काफी पैड के ऊपर गेंद लेके तैयार अमित कुमार नए ओवर के साथ दूसरा ओवर कुछ मंत्रा करते हुए बैटर सर को समझाते हुए अगर सिर्फ गली के खिलाड़ी को थोड़ा पीछे भेजा गया है। अभी तक 30 गज के दायरे के अंदर ही सारे खिलाड़ी। पहली गेंद लेके तैयार अमित कुमार
लेफ्ट आर्म सीधे पैर पे लगी है, काफी जोर की अपील दी गई है लेकिन फिर से नकारा गया। काफी तेज गति की गेंद, सीधे पैर से लगी थी, अगली गेंद लेके आने के बाद तैयार शॉट खेलने की इच्छा रखते थे लेकिन एक रन चुराई लिया बल्लेबाजों ने। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फुल टॉस थी, लेग साइड पे खेल दिया, कोई खिलाड़ी नहीं स्क्वायर लेग बाउंड्री को छूते हुए चार रन। लेफ्ट साइड पे फुल टॉस गए थी, पूरा का पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने और लेफ्ट साइड पे एक और चौका फिनिशिंग इसको। ग्यारह रन हो गए, 1.3 ओवर कंप्लीटेड। पहली नॉट रही है और दीपक दो रन पे है, पैड पे लगी है, बाहर थोड़ी सी जा रही थी, लेग स्टंप को बीच करते हुए अंपायर ने भी वो इशारा किया कि ये लेग स्टंप के बाहर थी, गैस कोई एलबी डब्ल्यू का कोई सवाल नहीं। पैरी ने 7 रन खेल के 9 रन बनाए हैं, दीपक रॉय 2 रन 3 गेंद खेल के बैट का इशारा किया गया है, काफी खिलाड़ी बैट देते हुए शायद कुछ दिक्कत आ रही है बैट। इसी बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स में मनस्वी आगे आपको इस खेल की पूरी जानकारी देंगे। मनस्वी जी कैसा लग रहा है आज आपको इनिशिएटिव और हवास के इस मैच को देख के कि क्या बनता रहेंगे? हमें एक गेंद देख लें एक बार, प्रवीण आउट होके पवेलियन में और भूपेंद्र जा रहे हैं उनकी जगह लेने के लिए। अच्छा।
तरुण अपना दूसरा ओवर चालू करते हुए रुपिंदर पहली बार स्ट्राइक लेंगे। अभी उन्हें अपने खाता खोलना है और अपने रन बनाने के क्रम को शुरू करना है। ऑफ सिस्टम पर भी गेंद को वापस खेला। बहुत सारे खिलाड़ी मिड शॉट मिड ऑफ से कवर से झटके और कोई भी रन बनाने का मौका नहीं। दीपक साथ में लॉन्ग स्ट्राइक में खड़े हुए भूपेंद्र के साथ देते हुए लेकिन मिडल ओवर के स्टंप पर भी उसको लेग साइड पे खेल के एक रन चुराना चाहते थे, कोई मौका नहीं और ये ओवर खत्म हुआ। दादा एक बात माननी पड़ेगी कि हवास वॉरियर्स से काफी लोग उतना मौका नहीं दे रहे हैं, भले ही दो चौके जरूर लगे लेकिन ये हमें कहना पड़ेगा कि काफी अच्छी बॉलिंग कभी बॉलिंग हवास वॉरियर्स के द्वारा। डाउन पे गेंद तेजी के साथ आगे बढ़ के कैच लपकना चाहते थे, मौका नहीं मिला, आगे गिर गई। बॉलर मौका शायद स्टंपिंग का था, चूक गए, आगे बढ़ गए थे बल्लेबाज।
तीस रन के बाद इन वाइड का इशारा समान आंसर फैलाए अंपायर ने अपनी बाएं और एक वाइड का इशारा था वो अतिरिक्त रनों के क्रम में इजाफा। और इस गेंद को कट कर दिया है गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर पॉइंट बाउंड्री के बाहर चार रन कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए गली और पॉइंट के बीच से वहीं से धीरे से खेल के एक रन चुरा लिया है बहुत ही सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट और अंपायर का नो बॉल का इशारा आता हुआ फ्री हिट होगी। फ्री हिट के बारे में बात कर रहे हैं कुछ बात होते हुए कि फ्री हिट है कि नहीं है के साथ में स्तर तक चुल्ला उड़ा दिया है दूसरा विकेट गिरता हुआ नए बल्लेबाज का नाम लेना चाहेंगे किसी टीम से ब्रिजेश जा रहे हैं अब ब्रिजेश वो रिप्लेस करेंगे रुपिंदर को दीपक को उसको खेला सामने से लॉन्ग ऑन से आते हुए फील्डर ने गेंद को फील्ड किया और किसी भी संभावना को हमारे स्कोर बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि 21 रन हो गए दो विकेट पर चार ओवर कंप्लीट कर चुके हैं अभी 16 ओवर तक गए खेल बाकी है
बॉलर में सागर है हम नए बॉलर कुछ साथी खिलाड़ी से मशवरा करते हुए सागर राइट आर्म ओवर द विकेट की ओर से पहली गेंद की तैयारी में शायद बल्लेबाज को अवरोध दिखा तो उन्होंने फिर से कहा है बॉलर को वापस गेंद की सीमा पे जाके फिर से दोबारा के लिए बाकअप ले चलिए पहली गेंद लेके सागर तैयार और ये पहली बॉल नो बॉल है ये शायद जो नो बॉल हुई है दूसरी गेंद के साथ सागर तैयार और एक उठा के सीधे चार रन की बाउंड्री के पार लॉग ऑन में फेंक दिया है इसका स्कोर हो गया है विकेट इसका आफ्टर टू विकेट 4.1 ओवर 26 रन 2 विकेट 4 ओवर की समाप्ति पे इनिशिएटिव एवेंजर्स और इस साइड से चक्कर करके गली और सेवन के बीच में से फिर से एक चक्का और अपनी क्रीज का सुंदर उपयोग किया पीछे गए इस बार पहले आगे निकल के गेंद को जो बाउंड्री के बाहर पहुंचाया था इस बार पीछे गए कट किया पॉइंट और गली के बीच में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए और अपने स्कोर को आगे बढ़ाते हुए एक बात मांगनी पड़ेगी दादा कि रुपिंदर काफी अच्छा खेलते हुए दो बाउंड्री उन्होंने लगातार प्राप्त की है एक बार लॉन्ग ऑन की ओर के क्षेत्र में उन्होंने चौका मारा है और अभी पॉइंट और गली के बीच में से गैप ढूंढ के फिर से चौका 13 के निजी स्कोर पे रुपेंद्र 8 गेंदों का सामना करते हुए सागर अगली बॉल के साथ तैयार और ये वाइड गेंद करार दी है अंपायर ने कोई दुविधा नहीं हुई वाइड करार देने में रुपेंद्र के साथ ही ब्रिजेश सागर अगली गेंद के साथ ये फिर से अंपायर के इशारे से देखना पड़ेगा अंपायर ने फिर से वाइड गेंद करार दी है इनिशिएटिव एवेंजर्स धीरे धीरे अपना स्कोर बढ़ाते हुए 32 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4.2 ओवर की समाप्ति के बाद सागर अगली गेंद रुपेंद्र ने हल्का सा उसको पुश करके एक रन चुरा लिया है काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स का मुआवजा मुशायरा जो पेश किया है रुपेंद्र और ब्रिजेश ने स्ट्राइक में ब्रिजेश दूसरी गेंद का सामना करेंगे बॉलर सागर तैयार काफी समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी करते हुए पहले दो चौके लगाए फिर तेजी से साथ एक रन पूरा भागा और स्ट्राइक चेंज की जिससे कि बॉलर का रिदम बिल्कुल हो पाए और इसी प्रेशर में दो चौकों के प्रेशर में शायद दो वाइड बॉल भी फेंकी बॉलर ने दादा आपकी पार की नजर से बच नहीं पाए कोई भी दादा के पास 100 टेस्ट मैचेस का अनुभव काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी अगली गेंद के साथ सागर तैयार लेग साइड की ओर से खेल दिया ब्रिजेश ने बहुत बढ़िया ढंग से शायद एक रन ही मिलेगा और ये फील्डर का कुछ अथक प्रयास था वेंकट सर के दस्तानों में गेंद समा गई है शॉर्ट रन 4 विकेट के नुकसान पे
4.4 ओवर की समाप्ति के बाद पांचवी गेंद लेके सागर वाइड गेंद, थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा अपनी लाइन लेंथ पे, लेंथ पे खासकर इनिशिएटिव 35 रन 2 विकेट के नुकसान से, रुपिंदर 14 रन पे, ब्रजेश 1 रन पे और डिफेंसिव मोड में रोक दिया है। चोर की आखिरी गेंद लेके सागर सोच रहे होंगे कि क्या गेंद डालूं, बहुत ही अच्छे ढंग से आखिरी गेंद के साथ अपना ओवर तो वे रुपेंद्र 14 रन, इनिशिएटिव रेंजर्स का स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की समाप्ति के बाद। काफी सदी हुई बल्लेबाजी की है, दादा क्या कहना चाहेंगे आप? बॉलर का नाम जानना चाहेंगे, आदित्य। आदित्य अपनी पहले ओवर की पहली गेंद के साथ तैयार वार्म अप करते हुए हमारे साथी बल्लेबाज के शू के लेसेस खुल गए हैं। देखिए किसी को टीम स्पिरिट कहते हैं, विरोधी टीम के खिलाड़ी उनको मदद पहुंचाते हुए, काफी अच्छा लगा ये दृश्य देख के कि टीम स्पिरिट स्पोर्ट्स को एक नया आयाम देते हुए आरसीसी स्पोर्ट्स क्लब। सूरज अब पूरी तरह से निखर चुका है, जो उसकी सुबह हल्की हल्की वो जा चुकी है। 35 रन 2 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स। पहली गेंद फील्डिंग को सजाते हुए सामना करेंगे ब्रजेश अपने माता पे आदित्य पहली गेंद के साथ। काफी अच्छी गेंद ऑफ साइड पे आते हुए वेंकटेश्वर स्थानों में सीधे, साथी खिलाड़ी उत्साह बढ़ाते हुए, थोड़ा सा ब्रजेश को समझ में नहीं आया शायद। रन 2 विकेट इनिशिएटिव एवेंजर्स। निश्चित रूप से गेंद लेग स्टंप के बाहर जा रही थी, उत्साह ज्यादा, विश्वास संभवतः कम, इसीलिए कुछ फील्डर्स ने साथ दिया लेकिन सारे फील्डर्स ने संभवतः नहीं साथ दिया इस अपील में। बॉलर आदित्य और ये अगेन वाइड गेंद का इशारा, वाइड का इशारा, बहुत रनों की गति पे अंकुश लगाना चाह रहे हैं लेकिन अपने जिनका इरादा है कि 200 के अंदर रोकने का, 140-50 के अंदर संभवतः रोकने का, उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं संभवतः। दादा अभी कहना बहुत जल्दी होगा कि, और यहाँ पर देखिए काफी डिफेंसिव मोड में अच्छा रोका है, काफी सदी हुई टाइट गेंदबाजी के साथ आदित्य ने मन मोह लिया है सबका। मेरे साथी कमेंटेटर मनस्वी मोहन शुक्ला 100 टेस्ट मैच 200 वनडे का एक्सपीरियंस लेके आप अपनी एक टीम की नई पारी लेते हुए कवर पे खड़े फील्डर, बहुत ही आसान कैच था, फुल टॉस गेम थी। वेंकट सर नाखुश, ये कैच होना चाहिए था लेकिन ऐसे मौके आते रहते हैं। आदित्य 4 गेंदे 1 रन
काफी सदा हुआ ओवर, बहुत टाइट ओवर डाला है आदित्य ने, प्रशंसा करनी होगी। रुपेंद्र 14 रन पे और बहुत ही ध्यान से ब्रजेश ने बहुत चलाकी से एक रन चुरा लिया। रुपेंद्र अब इस तरह आई पहुंचे हैं एक नंबर की जर्सी में। बिल्कुल दादा, क्षमा जाऊंगा आपसे। 37 रन, 2 विकेट, आखिरी गेंद, छठे ओवर की आखिरी गेंद लेते हुए और ये सुंदर स्ट्रोक और इसमें चार रन की संभावना हो सकती है। संभवतः 4 रन, बहुत कोशिश की, 4 रन बहुत ही शानदार, एक कदम आगे निकाला और काफी क्विक स्टाइल में गेंद को ड्राइव कर दिया। ओवर पे खड़े फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद के पास भी पहुंचने का, अपने अनुभव गैप का फायदा उठाया, अनुभव का फायदा उठाया और इस चौके से एक बार उन्होंने फिर साबित किया कि वो स्कोर जो अभी इनिशिएटिव एवेंजर्स का हुआ है वो 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे पावर प्ले समाप्त हो गया है। 41 रन पे 2 विकेट, 41 रन आफ्टर 2 विकेट, बहुत पूरा ओवर बहुत अच्छा डाला था सागर ने और आखिरी गेंद पे बस एक चौका खा बैठे। बॉलर का नाम जानना चाहेंगे अभिलाष। अभिलाष अपनी पहले ओवर की पहली गेंद लेते हुए तैयार अपने मार्कअप पे और विशेष है स्ट्राइक पे उनका साथ देते हुए रुपेंद्र। रुपेंद्र अपने निजी 18 रन का स्कोर कर चुके हैं, विशेष 2 रन के निजी स्कोर पे आफ्टर फेसिंग 7 बॉल्स। अभिलाष अपने पहले ओवर की पहली गेंद पे अपने साथी खिलाड़ियों को देखते हुए कि क्या उसकी रिप्लेसमेंट है, किसी भी वेंकट सर की कुछ स्ट्राइक बैट्समैन से बात की। 6 ओवर 41 रन पहली गेंद लेकर अभिलाष तैयार और 1 रन धीरे से लेफ्ट साइड में प्लेस करते हुए एक रन चुरा लिया। काफी समझदारी से खेले ब्रिजेश, 8 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 3 रन के निजी स्कोर पे हैं। रुपेंद्र 18 रन पे हैं आफ्टर फेसिंग 12 बॉल्स, 42 रन 2 विकेट इनिशिएटिव का स्कोर। 7 ओवर की दूसरी गेंद और काफी तेज गेंद थी ये, रुपेंद्र रोक के खेल में जाते थे लेकिन लगी रहे कि बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए वेंकट सर के दस्ताने में नहीं समाई। और ये मिडिल ऑर्डर के स्टंप पर कलाइयों के सारे गेंद को खेला है कवर की तरफ, सुंदर थ्रो, बहुत ही मुस्तैद फील्डिंग इस बार, लेकिन उतनी ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। उन्हें पता था रुपेंद्र को भी कहाँ पे कितनी तेजी से गेंद खेला है और क्या समय है एक रन पूरा, और दानिश को एंड पे भी बहुत तेजी के साथ में पूरा साथ दिया एक रन पूरा करने के लिए। अभिलाष अपने ओवर के अगली गेंद देते हुए चौथी गेंद ली और ये मिडिल और ऑफ स्टंप पे थी, गेंद को सीधे बल्ले से खेला ऑफ साइड में एक रन के लिए निकल पड़े। लॉन्ग ऑफ पे फील्डर को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। दादा कैसा कि आपके दादा क्या विचार है इस मैच को अभी तक देखते हुए? और एक वाइड गेंद, वाइड गेंद का इशारा अंपायर की ओर से। हमारे साथी कंप्यूटर मनस्वी जी
और जहां पर रुपेंद्र ने एक्सेल का सब प्लेसमेंट करते हुए अपने निजी स्कोर पे एक रन का और इजाफा किया है। अब वो पहुंच गए 20 रन पे, 20 रन आफ्टर फेसिंग 15 बॉल्स, इनिशिएटिव का स्कोर 46 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट, सातवें ओवर की आखिरी गेंद, इनिशिएटिव 46 रन आफ्टर 2 विकेट, लास्ट बॉल ऑफ 7th ओवर। और फुल टॉस गेट, क्या स्पिनर्स को रोक पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल रोक पाएंगे। दो रन बनते थे, थोड़ा सा ढिलाई से दौड़े, नहीं तो दो रन के चांसेस पूरे थे। 6 रन आए हैं इस ओवर में। वेंकट सर की अगुवाई में हवास वॉरियर्स आगे अपना काम। आदित्य फिर से अपने दूसरे ओवर की नई शुरुआत पे अपने मार्कर पर जाते हुए, इनिशिएटिव 47 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट। एक बात कहनी पड़ेगी दादा कि 7 का रन रेट मेंटेन किया है जो पिछले दो मैच का अनुभव है, वो कहता है कि अगर आप पहले 10 ओवर में 7 के रन से बनाएंगे तो आखिरी के 10 ओवर में विकेट रहेगा, तो उससे ज्यादा का स्कोर नहीं लगा पाएंगे। और ये कि कलाइयों के सारे घुमा लिया है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। इसी के साथ इनिशिएटर की हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है, 51 रन। एक जोरदार ताली ले गए भूपेंद्र, 20 रन ब्रजेश, 9 रन इनिशिएटिव, 51 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट, 7.1 ओवर्स कंप्लीटेड। थोड़ा सा लाइन से भटके थे आदित्य, और बहुत ही लंबा शॉट, इसको कोई रोक नहीं सकता, 4 रन मानो जस्ट रन लगा प्रेशर बुलेट। भूपेंद्र के साथ साथ अब ब्रजेश भी हाथ खोलते हुए, ब्रजेश का ये पहला चौका, दूसरा चौका माफ कीजिएगा, ब्रजेश 13 रन 12 गेंदों पे, भूपेंद्र 20 रन 15 गेंदों पे, समझदारी से खेलते हुए मिड ऑफ और मैदान के बिल्कुल बीच से चीरती हुई गेंद 4 रन, काफी अच्छा प्रदर्शन। और एक बार फिर वाइड लेग स्टंप के काफी बाहर और एक अतिरिक्त रन पड़ता हुआ। एवेंजर्स अपनी गति को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हवास के स्कोर बोर्ड को अच्छी चुनौती पेश करेंगे, 56 रन 2 विकेट पे, 56 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट। अब तो बिल्कुल मारने का ही निश्चित कर दिया है, फिर से एक चौका, 7 रन 50 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट, इनिशिएटिव। दादा ये मानना पड़ेगा कि हवास के बॉलरों को अब अच्छी चुनौती दे रहे हैं भूपेंद्र और ब्रजेश, ये तीसरा चौका मार दिया ब्रजेश ने, और जहां पहले वो 2 रन बनाए थे 7 गेंदों पे, अभी उनका निजी स्कोर है 17 रन 13 गेंदों पे। दादा बेटा ऑफ स्टंप पे थी, हाथ खोलने का मौका दिया और उसको कवर के ऊपर सुंदर ड्राइव किया 4 रनों के लिए। अगली गेंद, और ये गेंद अच्छी गेंद मिडिल और कैरी आउट लिए हुए समझदारी से डिफेंस करते हुए रोक ली, और अगर सीधी गेंद रखेंगे तो हाथ खोलने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल दादा आपने ऐसी बात बोली है जो किसी को नहीं पता थी। साधन इनिशिएटिव, अगली गेंद ब्रजेश, तो जैसे अब निश्चित छक्का, और ये तीसरी छक्का योगी है, पहला छक्का इनिशिएटिव का दोस्तों बन गया। बहुत ही सुंदर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, सीधे बल्ले से खेला हुआ और दूसरा
इसरो के तौर और ये एक बार फिर अच्छी गेम बिल्कुल इस पे थी और उसको पूरा सम्मान दिया, लेकिन एक चौके और एक छक्के के साथ ही स्कोर में जो उन्हें आवश्यकता थी रन गति बढ़ाने की उसका पूरा योगदान दिया है। कुछ ओवरशिप गेंदें थी जिसका पूरा उठा फायदा उठाया, एक रन आगे निकाला और बिल्कुल बॉलर के ऊपर दादा ब्रजेश रुपेश को देख के मुझे सचिन और वीरू की याद आ गई, क्या कहेंगे आप? अभिलाष मैं गेंदबाज और फिर से मानो कि मिसफील्ड हुई है, शायद दो रन बनेंगे। जी हाँ दो रन, थोड़ा सा फील्डिंग पर ध्यान देते हुए देना पड़ेगा हवास को। बहुत तेजी से कब 40 रन से अब ऑलमोस्ट 70 रन के स्कोरबोर्ड को छोड़ लिया इनिशिएटिव ने। 68 रन, 68 रन आफ्टर लॉस ऑफ टू विकेट। भूपेंद्र ब्रजेश की जबरदस्त बल्लेबाजी, फुल टॉस। अब ये शायद मिक किया बैट से, वाइड गेंद है तो वाइड के साथ साथ एक बाई का भी रन मिलेगा, तो टोटल 2 रन का इजाफा। 70 इनिशिएटिव मेरे साथी कमिश्नर मनोज की मोहन शुक्ला इतिहास गवाह है इस आरसीसी का, एक बहुत ही भूतपूर्व एक बहुत ही उच्च इतिहास रहा है। अगली गेंद कोच की तरह गई है शायद फील्डर, जी हाँ चौका बचाया उन्होंने। वेंकटर के दस्तानों में गेंद, शायद अभी भी उसका कुछ प्रभाव है वेंकटर गेंद को पूछते हुए। अभिलाष की ओर को गेंद फिर से वापस 71 रन इनिशिएटिव 71। कई महान बल्लेबाज स्पोर्ट्स क्लब से जन्मे और आगे उन्होंने अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में करियर बनाया है। दादा बता रहे थे कि हमारे नजफगढ़ से वीर सहवाग भी यही खेलने आते थे। इसी बीच अगली गेंद रोक की सही है, गेंद बहुत बढ़िया। आप ही पैरों अपने शू बूट के की मदद से निश्चित तौर से 3 रन सेव किए हैं, बहुत बढ़िया। 13 नंबर की जर्सी में आदित्य ने 3 रन बचाए हैं हवास वॉरियर्स के लिए। अगली गेंद दादा 1 रन, धीरे धीरे 1 रन जहां पर मौका मिलता है 1 रन लेते हैं, जहां पर थोड़ी लाइन से दूर होती है तो चौक की सबसे फिर भी छूटते हैं रुपए दो बजे। शुरू में बहुत धीरे धीरे समझ समझ के खेल रहे थे, लेकिन अभी दोनों वही बल्लेबाज हाथ खोल के खेल रहे हैं।
दादा एक बात कहनी पड़ेगी कि इतनी बॉलर ने मनीष है नए बॉलर दादा एक बात तो कहनी पड़ेगी कि शुरू में एक विकेट बहुत जल्दी खोया था फिर उसके बाद दूसरा विकेट भी उनका इनिशिएटिव का बोल्ड हुआ था लग रहा था कि इसी बीच अगली बॉल ये थोड़ी सी लेफ्ट साइड में मारियर देना चाहेंगे तो भी हैं टीम सहयोग के द्वारा थ्रो फेंके जा रहे हैं वेंकट सर के दस्तानों में गए मनीष की ओर को फिर से बॉल चलो शुरू में लग रहा था कि हवास वॉरियर्स जल्दी ही निपटा देंगे इनिशिएटिव विनिंग को लेकिन रुपेंद्र ब्रजेश ने जिस तरह से मैच को संभाला है प्रशंसा करनी होगी कि कोई जवाब नहीं दिया है अभी तक कोई अपनी ओर से मौके नहीं छोड़े क्या कहना चाहेंगे आप दादा दादा आप मेरे साथ बने रहे इनिशिएटिव से कप्तान राहुल काफी खुश होंगे मैं राहुल से उसी संदर्भ में चर्चा कर रहा था कि क्या उनकी आगे की स्ट्रेटेजी है तो उन्हें वही उनका पहले तो विकेट जल्दी खोल की वजह से उन्होंने थोड़ा स्लो खोल रहे थे लेकिन अभी स्टेबल हो गई है दादा 75 रन बन चुके हैं 8 का स्कोर है दादा रन रेट है बहुत ही मेहनत करी है हमारे ग्राउंड स्टाफ ने भी इस पिच को तैयार करने में सर कुछ नाराजगी जताते हुए आप अपनी टीम को सेट करते हुए इनिशिएटिव की टीम के रुपिंदर ब्रजेश ने तो मानो पूरा पासा ही पलट दिया हो 80 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट इनिशिएटिव एवेंजर्स एक ताली हो जाए यहाँ पर खचाखच भरा हुआ हमारा स्टेडियम 80 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट 10वें ओवर की तीसरी गेंद लेते हुए और दादा इस सबसे एक रन चुरा लिया मानो कि धीरे धीरे जो हार पिरोना शुरू किया है उससे मोती से मोती जड़ रहे हैं निश्चिते वही नो बॉल भी है ये नो है कुछ ओवरथ्रो हुआ है दादा वाइड बॉल है ये अभी लाइन मैन से बिल्कुल भटक चुके हैं दादा आपको विश्वास होगा रुपिंदर ब्रजेश ने जो अभी बल्लेबाजी की है उन्होंने रुपिंदर को बीट कर दिया अपने निजी स्कोर से रुपिंदर 26 रन ब्रजेश 30 रन और ये शायद चौका या छक्का ही हो और ये है दूसरा छक्का मैं लूंगा क्या बात है मजा आ गया है दादा नाश्ते में जो पकौड़ी मिली थी काफी अच्छी थी पकौड़ी आपके सेहत के लिए अच्छी नहीं है ओके आपकी अधागनी से पूछिएगा कि पकौड़ी कितनी दे रही है आपको और इसी बीच दादा ये वाइट बॉल नाइनटी वन रन इनिशिएटिव मानो क्या है कि आज 200 से ऊपर टांग के रहेंगे स्कोर बोर्ड को और ये फिर से क्या एक वाइड वेट होगी नहीं ब्रजेश 36 रन
वाइड बॉल, तो जो वाइड बॉल है वो वाइड काफी जा रही है ये दस, ये शायद जाते ब्रजेश लकी रहे कि बॉल पैदा नहीं हुए, बॉल विकेट पे नहीं गई। स्वागत करते हैं आपका आरसीसी स्पोर्ट्स क्लब में। बिग स्ट्रेक के बाद स्कोर है 91 आफ्टर लॉस ऑफ टू विकेट। इनिशिएटिव विजेस ने ठान लिया है कि 200 के ऊपर का आंकड़ा ही 500 पर रहेंगे। रुपेंद्र और ब्रजेश की धुआंधार बल्लेबाजी और इस बार छोर बदले गए हैं।
प्रवीण है अगले बॉलर, राइट आर्म ओवर द सनी गेम वाइड गेम एक्स्ट्रा की टोटल टैली जाना चाहेंगे कितने हुए हैं अभी तक अपने साथी स्कोर बोर्ड के कह रहे हैं अभी एक मिनट के बाद करता हूँ दूसरी गेम प्रवीण और मेरे साथी कमिश्नर मनसी मोहन शुक्ला की बहुत यादें जुड़ी हैं इस मैदान से यहीं वो खेले हैं 20 रन टोटल एक्स्ट्रा दिए हैं अभी तक हवास वॉरियर्स ने दादा काफी रोमांचक एक मैच थोड़ा सा लाइन लेंथ पे काबू रखना पड़ेगा हवास को और ठीक है नेक्स्ट साइड पे एक रन भाग चुके लेकिन दो रन की संभावना हो सकती थी दादा क्या कहना चाहेंगे आप थोड़ा सा लेकिन जो खेलता है उसको ज्यादा अच्छा पता होता है कि दो रन है कि नहीं है खुद राहुल इनिशिएटिव के कप्तान अपने साथी के प्रदर्शन से और पीछे विकेटकीपर वेंकट ने गेंद को अपने दस्ताने में लिया और वापस पहुंचाया बॉलर के पास में दादा 94 रन बना चुके हैं सैकड़ा झड़ने वाली है इनिशिएटिव क्या इस ओवर में 100 रन बना पाएंगे एक सवाल है और ये फुल समय के साथ गैर हो गए और ये 98 रन इनिशिएटिव सिर्फ सैकड़े से सोचते हुए कि आगे की क्या रणनीति बनाई जाए प्रवीण अगली गेंद के साथ तैयार पांचवी गेंद काफी तेज गेंद थी लेकिन फिर से बाहर 21 दादा इस ओवर में तो इसी ओवर में तय है कि शायद सैकड़ा मार ले इनिशिएटिव विकेट अनिश्चितताओं का गेम है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल कि इस ओवर में सैकड़ा होगा विकेट आएगा अगले गेम पे ये कोई नहीं जानता अच्छा खेलते हुए बैट्समैन दादा आपका दे बैठते हैं दादा आपके अनुभव को कौन नकार सकता है जोरदार ताली होनी चाहिए इनिशिएटिव के इस प्रदर्शन के लिए 100 रन 100 रन और यहाँ पे शायद कुछ देखिए क्या टीम स्प्रिट का स्पोर्ट स्प्रिट का जो मुआयना पेश किया है हवास वॉरियर ने उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी कभी भी कोई दिक्कत होती है तो हवास वॉरियर पीछे नहीं रहते इनिशिएटिव विकेटों को भी मदद करने में कुछ शायद लोअर के दादा हमारे मैं आपको क्षमा चाहूंगा कि आपको बीच में रोका लेकिन आवाज भी इसी स्पोर्ट्स क्लब से जुड़े थे एक टाइम पे हो गया है काफी एक्स्ट्रा जो है वो थर्ड हाईएस्ट बैट्समैन ही कहिए आप कि 24 रन एक्स्ट्रा से आ गए हैं काफी भारी पड़ सकते हैं 24 एक्स्ट्रा रन जो हवास ने दिए हैं एज अ गिफ्ट इनिशिएटिव टीम को राहुल कप्तान काफी खुश
अपनी टीम के प्रदर्शन से। अगली गेंद मंत्रणा चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में कि क्या की स्ट्रेटजी रहेगी बिना बाकी बचे हुए 9 ओवर में कि स्कोर संभवतः 200 के उस पार पहुंचाया जा सके। पिछले कल दोनों मैचों का अनुभव रहा है कि जिस भी टीम ने करीब 90 के आसपास स्कोर किया है 90 से 100 के बीच में 10 ओवर में उसने 200 क्रॉस किया है और रुपिंदर काफी अच्छा खेल रहे हैं एक नंबर की जर्सी में। उन्होंने रुपेंद्र 25 के निजी स्कोर पे हैं और 41 रन पे हैं ब्रजेश। ब्रजेश काफ़ी लेट ज्वाइन किया था उन्होंने रुपेंद्र को लेकिन पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने रुपेंद्र को क्रॉस किया और 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से अपने स्कोर को निजी स्कोर को उन्होंने 41 रन बचाया है। सागर अगले गेंदबाज को पीछे आके लेट कट करना चाहते थे बीट हुए बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। दादा आप तो जानना चाहेंगे जब 90 के दशक में आप यहाँ पर खेला करते थे तब क्या सुविधाएं थी और अब क्या सुविधाएं हैं? आपके टाइम पे तो कुछ अलग ही यहाँ पर माहौल था, आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी काफी परिवर्तन हो गया है, गुड़गांव एक नया शहर उभर के आया है, पहले कुछ भी नहीं था। बहुत बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे अभिलाष ने निश्चित रोज पे एक रन रोका, एक रन बचाया है सागर और ये फिर से एक अच्छा शॉट को उठा के खेला ऑफ की तरफ, लॉन्ग ऑफ की तरफ दादा, लॉन्ग ऑफ की तरफ 105 रन इनिशिएटिव धीरे 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 अपने अपनी माला के हर मोती को जोड़ते हुए देखिए इसमें चौक के छक्कों की लड़ी लगती हुई और ये फिर से अभिलाष के पास ही और अभिलाष ने हाथ ही नहीं पैर भी और जूते भी सब कुछ लगा के एक रन बचा ही लिया। काफी अच्छी फील्डिंग वेंकटेश्वर के स्ट्रिक्ट निर्देशों के अनुसार अब हवास रनों की गति पे थोड़ा अंकुश लगाने पे संभव जिसके दो एग्जाम्पल अभी हमने देखे। अगली गेंद सागर फिर से देखिए तारीफ करनी होगी कि बल्लेबाज कैरी ऑन नहीं हो रहे जो चौके छक्के उन्होंने लगाए थे, ऐसा नहीं कि हर बॉल को ही मारने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पर मौका मिलता है एक रन दो रन, जहाँ पे बॉल ढीली है वहाँ पर 4 रन 6 रन इसी भी टॉस किया था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था अगली गेंद सागर की और ये लेग साइड पे मानो की बिल्कुल मौका मिला 2 रन पूरा करने का, अच्छी फील्डिंग वेंकटेश्वर के दस्तानों में गेंद और इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर पानी का इशारा करते हुए साथी खिलाड़ी भाग के तो दादा हमने बात कर रहे थे सहवाग की यहीं से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था, आप भी शायद उनके साथ 5 मैच खेले थे, कैसा था उस समय का समय और फिर वो कहाँ पहुंच गए आप? पैशन ही अलग था वो सबको पता है। प्रवीण नए बॉलर 13 ओवर की समाप्ति पे प्रवीण कंटिन्यू करते हुए 13 ओवर की समाप्ति पे 105 रन इनिशिएटिव पे 105 रन 2 विकेट नुकसान पे अभी पूरी फौज बची पड़ी है पीछे, लेकिन हम चाहेंगे कि ब्रजेश रुपेंद्र ऐसे ही खेलते रहे, सेट हैं जम चुके हैं मानो कि निश्चित आज मन बना चाहे हैं कि और फुल टॉस गए अलग एम्पायर के पीछे खेला उतनी अच्छी आई नहीं अंपायर भी बचे वेंकटेश्वर कहते हुए कि जल्दी बॉल दो तो अलग अंपायर भी तैयार। तारा
बैट्समैन बॉलरों की फिटनेस पे तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन अंपायर की फिटनेस भी बहुत जरूरी है। देखिए कैसे बचे थे स्क्वायर लेग के अंपायर इसी बीच अगली गेंद, और ये रोक के वेंकट सर भाग के एक रन चाहेंगे, लेकिन यही मैं आपसे कहता कि बिल्कुल भी कैरी ऑन नहीं हुए हैं, हमेशा सोच समझ के काम कर रहे हैं। मेरे साथी स्कोर बोर्ड के मेरे भाई आकाश जवाब ने इनका इनकी मेहनत का जो काम उन्होंने किया है, आठ स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन जो यहाँ जिन्होंने यहाँ पर एक ग्राउंड बनाया उनका भी जवाब नहीं, बहुत बे इंतहा नंबर वन फैसिलिटीज के साथ ये स्पोर्ट्स क्लब सजा हुआ। तमाम हरियाणा की जनता यहाँ पे देखिए भरी हुई, और इसी बीच 106 रन दो विकेट के नुकसान थे। अमित ने काफी मेहनत की है इस ग्राउंड को बनाने में, वो काफी पैशनेट क्रिकेटर भी हैं, खेलते भी हैं, आरसीसी की तरफ से भी खेलते हैं, जिसके वेंकट भी एक पार्ट है। मैं बात कर रहा था दादा जो पिच क्यूरेटर थे नारायण जी से, काफी दिल लगाए उन्होंने, और इसी बीच फुल टॉस गेंद, अब ये नो बॉल सीधे दे दी अंपायर ने, देखना पड़ेगा के ऊपर की गेंद थी इसलिए नो बॉल का ही घातक गेंद थी दादा, ये घातक गेंद इसे बोलते हैं, घातक गेंद बीमर बोलते हैं जी दादा, आपके एक्सपीरियंस को कौन टाल सकता है, इसीलिए आपको मेरे साथ रखा गया कि जहां पर मैं गलती करूं आप मुझे सुधार दें। स्कोर जो हुआ है वो 108 रन दो विकेट के नुकसान पे इनिशिएटिव, मेरे साथी स्कोर बोर्ड मेरे भाई आकाश ने मुझे बताया कि 108 रन हो गए, इनिशिएटिव का फैसला कि बल्लेबाजी करेंगे उसको सही से आगे करते हुए, इसी बीच लेफ्ट साइड पे खेलते हुए फील्डर ने बहुत ध्यान से बल उठाया, वेंकटेश्वर के स्थानों में गेंद, और स्कोर बोर्ड 109 रन इनिशिएटिव दो विकेट के नुकसान पे। दादा अभी भी बात अधूरी रहेगी, जब आप रेल सेवा के साथ यहाँ खेलते थे मैंने आपसे पूछा था कि आप पीछे क्यों रह गए वो आगे कैसे बढ़ गए, आपने जवाब नहीं दिया दादा। और ये लेफ्ट साइड पे सुंदर कारों का उपयोग गेंद को खेला है, ये रोकना चाहिए था, दो रन तो होंगे ही होंगे, फिर से मिस फील, वेंकट सर इशारा करते हुए जल्दी फेंको, दस्ताने उठाए हटाए अपने और बॉल को वापस। मैं इनिशिएटिव के अपने साथियों को बताना चाहूंगा कि ब्रजेश सिर्फ 4 रन दूर है अपनी हाफ सेंचुरी से, 46 रन के स्कोर पर ब्रजेश खेल रहे हैं और 28 रन के स्कोर पर रुपेंद्र, मानो वन की छड़ी लगा दी है, और ये शायद 6 रन ही जाएगा, 6 रन हमारे हमारे भाई ब्रिजेश अगर एक बार बल्ला उठा दे पैवेलियन की ओर से तो हमें भी बहुत खुशी होगी, ब्रिजेश एक बार बल्ला उठा के पैवेलियन की ओर से उठा दे, ये बात टीम जो उनका उत्साहवर्धन कर रही है उसको स्वीकारा उन्होंने, कप्तान राहुल ने बोला है कि आज शाम की पार्टी मेरी ओर से ब्रिजेश के लिए, राहुल ने कहा कि दो पार्टी है हाथ उठा के उसका समर्थन करते हुए, दो पार्टी दोनों हाथ उठाए, सारी टीम ने हाथ उठाए कि अलग अलग से पार्टी देंगे। ब्रजेश अगर शाम को आपको दर्द हो तो कल की छुट्टी ले सकते हैं आप ऑफिस से, ऑलरेडी लोहड़ी की छुट्टी है बताया आप मुझे सही कि आप मेरे साथी मेरे इनिशिएटिव के कप्तान राहुल भाई ने, और इसी बीच वेंकट सर की कुछ गुफ्तगु अपने साथियों से समझाते हुए कि किस तरीके से रनों की गति को अंकुश लगाना है, क्योंकि जो मेरी बातचीत हुई थी मैच शुरू होने के पहले तो वेंकट ने बताया था कि उनका मुख्य जो हथियार है वो बॉलिंग है, और उनका सागर भाई अपनी बॉल के साथ तैयार फील्डरों का मुआवजा करते हुए पहली गेंद, और ये बहुत बढ़िया फील्डिंग है, रनर को चांस हो सकता है लेकिन नहीं जाने दिया, पीछे से बैकअप तैयार, यही करना पड़ेगा हवास के फील्डरों को, जहां पर मौका मिले वहां पर रोके, एक्स्ट्रा करीब 28 रन हो गए, तो जो थर्ड हाईएस्ट बैट्समैन इज एक्स्ट्रा, ये एक दुविधा का मंत्रणा का विषय रहेगा। दादा अभी तक ने बताया नहीं है कि जो बॉल मैंने पूछा था, लेग बाई का इशारा आता हुआ एम्पायर से, तो एक अतिरिक्त रन और जुड़ा, लेकिन जो मुख्य चीज है वो जो बात हुई थी मेरी शुरुआत में, क्या
आपका मुख्य हथियार क्या रहेगा, तो विकेट का बताया था कि उनकी बॉलिंग उनका मुख्य अस्त्र है और वो रोकना चाहेंगे 150 के आसपास, जो कि लग नहीं रहा है। अच्छी गेंद को रुपिंदर कट करना चाहते थे, बीट हुए गेंद बल्ले के ऊपर से निकल गई। पूरा मौका है रुपिंदर भाई के पास भी कि वो अपना अर्धशतक पूरा करे। 29 के निजी स्कोर पे खेलते हुए रुपिंदर 119 रन पे इनिशिएटिव का स्कोर पहुंच चुका है, 28 रन एक्स्ट्रा गई है इसमें। और वही प्रयोग के ये रन लेना चाहते थे, लेकिन तेजी के साथ आए विकेट कीपर पीछे से और बॉलर भी आए और कोई मौका नहीं एक रन लेने का जो चुराना चाहते थे रुपिंदर। दिल्ली अभी दूर है कह सकते हैं, क्योंकि अभी 28 और 50 में 22 रन का डिफरेंस, तो 22 रन बनाने में गेंद पे उन्होंने 29 रन बनाए हैं। थोड़ा स्लो खेल रहे हैं रुपिंदर, शुरुआत में आक्रामक स्कोर और ये मिसफील्ड की वजह से एक ही होना चाहिए था वहाँ पे। कुछ रफ पैचिंग हो जाते हैं ग्राउंड पे जिससे जिससे बॉल टकराई होगी और धूम के कारण तो बॉल घूमी। हाँ, लेकिन इसी के साथ 123 रन इनिशिएटिव का स्कोर, 123 आफ्टर लॉस ऑफ टू विकेट, 13.5 ओवर्स कंप्लीटेड, 123। दादा अभी भी आपका और बहुत तेजी के साथ में आए आगे, रन की संभावना को खत्म किया। दादा आपका इनिशियल इंटरेस्ट क्रिकेट पे था, फिर आप मीडिया में आ गए, वीरेंद्र सहवाग आगे बढ़ गए, अभी तक आंसर आपका आया नहीं है। अगर मैं मीडिया में नहीं आता तो इन लोगों मैच कौन खिलवाता दादा? आप नहीं होते तो कोई और खिलवाता, लेकिन ठीक है। ईश्वर ने हर आदमी का भाग्य डिसाइड किया हुआ है कि वो क्या करेगा। दादा आखिरी 5 ओवर बचे हैं, इनिशिएटिव मनु चाहे होती है माफ कीजिएगा कुछ अभिषेक भूल गए शायद, और इसका तुरंत इनिशिएटिव कप्तान ने करेक्शन किया कि नहीं 6 ओवर बचे हैं, एक एक गेम का काउंटिंग कर रहे हैं दादा हमारे। और ये शायद 4 रन, यस 4 रन, बहुत बढ़िया। फुल टॉस गए तो उठा के नेक्स्ट साइड के ऊपर से दादा जो सूर्य भगवान अब आए हैं और जो उनकी तपिश है, शायद विजय शुभेंद्र ने भी उसी तपिश उसी लगन के साथ अपने स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया है। अपने निजी स्कोर पे विजय 56 रन पे, रुपिंदर 33 रन पे, इनिशिएटिव 127 रन पे आफ्टर 41 ओवर्स। अगली गेंद और ये उठा के मारा है, जितनी चाहिए थी, मिस फील हुई, 4 रन लगातार 2 बॉलों पे 2 चौके। विजय बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अपनी टीम को अच्छे स्कोर की तरफ ले जाते हुए। अगली एक और फुल टॉस बॉल और उठाकर सीधे 4 रन, और इसी तरह से 4 रन की और यहां से पूरी होती हुई और अंपायर का इशारा नो बॉल। एक रन दो बॉलों पे अभी तक 3 रन आ चुके हैं, 136 रनों के लगातार स्कोर पहुंच गया। गेंदबाजी 136 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 14.2 ओवर, 136 रन इनिशिएटिव, बहुत बढ़िया शानदार। ब्रिजेश बधाई के पात्र हैं, ब्रिजेश और उपेंद्र अपनी टीम को संभाला, एक मुश्किल वक्त आए थे शुरुआत में, संभल के खेला। अगली गेंद और ये हल्की कर सकती है, उठा के फिर से मारा है उन्होंने ऑफ साइड पे और मिस भी, 4 रन।
बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पे हवास के द्वारा। हवास वॉरियर्स, अगर बैट्समैन पे अंकुश लगाना है तो अच्छी गेंदबाजी के साथ अच्छी फील्डिंग की जरूरत। 140 रन इनिशिएटिव के और ये ऑफ साइड से खेलते हुए एक और गेंद और पॉइंट की तरफ चार्ज कर दिया और वहां पे अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा और एक रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे। दो बढ़ता हुआ स्कोर, दो रन बना हुआ था लेकिन बैट्समैन ने आपस में डिसाइड किया कि नहीं लेंगे, वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि क्या करना। दादा आप मेरे साथ बने रहे, रन रेट करीब 10 रन पर ओवर के करीब। एक और फुल टॉस गेंद लेग साइड पे और वाइड बॉल का इशारा और बढ़ता हुआ स्कोर 142, लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे इनिशिएटिव के द्वारा, दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही समझबूझ के साथ। रुपिंदर सिर्फ 17 रन दूर है अपने अर्धशतक से। अगली गेंद और एक बार फिर से वाइड का इशारा अंपायर का। अगर इसी तरह से यहाँ पे बॉलिंग होती रही तो स्कोर 180 नहीं 200 भी क्रॉस हो सकता है। अगली गेंद ओवर पिच बॉल और सीधा कवर ड्राइव, चार रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर जा रही है और शॉट को देख के ऐसा लगा कि मानो विराट कोहली की एक झलक दिखा दी हो। जवाब नहीं रुपिंदर का, 37 के अपने निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं। ब्रजेश 69 पे खेल रहे हैं, क्या शतक बना पाएंगे? दादा कहेंगे कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, समय ही बताएगा। दादा मैं आपके साथ हूँ इस बात को लेकर। तो दादा आपने बताया नहीं कि 90 के दशक में जब आप यहाँ पर खेलते थे आप पीछे क्यों रह गए और सहवाग आगे कैसे बढ़ गए? दादा अभी ब्रेकफास्ट के लिए गए हैं तो आपको थोड़ी देर वेट करना होगा। दादा मैंने देखा था कि दादा 4-5 केले पहले ही खा चुके थे, 2-3 चाय पी चुके। दादा का आज फास्ट है इसलिए दादा सिर्फ केले खाएंगे। अगली गेंद और बेहतरीन डिफेंडर, रन आउट का चांस और ये डायरेक्ट ही टक्कर होता तो लेकिन यहाँ पे पाई के रूप में अतिरिक्त 4 रन आते हुए और जहाँ पे एक भी रन नहीं होने थे वहां पे 5 रन जुड़ता हुआ है। 5 रन और शोर 152 15 कोई भी बॉलर नाकामयाब रहा अभी तक और फील्डरों का कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इनिशिएटिव की टीम पूरा एंजॉय करती हुई और उनको पता है कि अगर वो 200 रन बना लेंगे और ये बीच में तो किसी भी टीम को मेरे साथी कमेंटर मनस्वी जी देखिए सहयोग के लिए पानी खुद पिलाने गए हैं। एक 2000 इनिशिएटिव की टीम से मिलनी चाहिए मनस्वी जी को। देखिए आज भी इनकी फिटनेस का कोई जवाब नहीं है, 50 के आंकड़े को पार करने के लिए तैयार। देखिए 152 और पहली बार 10 रन से ऊपर रन रेट आता हुआ यहाँ पे देखिए, बिल्कुल 6 से 7, 7 से 8 और अब 10 तक का रन रेट। बॉलर का नाम जानना चाहेंगे अमित आए हैं नए बॉलर जो शुरुआत में 2 विकेट लिए थे, शायद ये तुरुप के हो सकते हैं वेंकटर के लिए। अपने मेन स्ट्राइक गौरव को वापस लाते हुए वेंकट सर कि उन्हें ये पार्टनरशिप को तोड़ना ही है। अभिलाष मेनन जिन्होंने 3 ओवर में 44 रन खर्चे किए अपनी टीम के लिए। 152 रन आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट इनिशिएटिव, मानो आज इनिशिएटिव लेके आए कि एक इतिहास रच देंगे। इस ग्राउंड का भी एक इतिहास रहा है। पत्ता बाजार भी काफी बढ़ चुका है, पत्ते लग रहे हैं कि 220 के ऊपर, कोई कह रहा है 230 के ऊपर।
बैंकर सर चाहेंगे कि 200 के अंदर इसी भी अगली गेंद और बहुत ही बहुत बढ़िया गेंद और एक बार फिर फील्ड होता हुआ दो रन होंगे एक रन फिर से दे दिया है जो हार तैयार करना चाह रहे थे इनिशिएटिव हर बॉल के साथ उसमें एक मोती चढ़ते हुए एक क्या बताऊं आपको शब्द भी नहीं आ रहे बोलने के लिए लेकिन काफी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन ओवर पूरी तरह सूख चुकी है धूप निकल चुकी है रुपेंद्र 44 रन से खेल रहे हैं इनिशिएटिव 44 रन से रुपेंद्र अच्छी गेंद और एक डॉट बॉल काफी देर बाद एक डॉट बॉल यहाँ पे देखने को मिली अभी भी अगर हवास की टीम पूरा प्रयास करेगी तो इनको 200 तक रोक सकती है लेकिन स्कोर को देखते हुए और बल्लेबाजी यहाँ पर देखते हुए देखिए मैं तो ये कहूंगा कि ब्रजेश पूरा एक और वाइट एम्पायर के इशारे का इंतजार और लेग बाई का इशारा यहाँ पर एक रन अतिरिक्त के रूप में आता हुआ ब्रजेश 69 के अपने निजी स्कोर पे रुपेंद्र 44 इनिशिएटिव 155 पूरा मौका है रुपेंद्र के पास ब्रजेश के पास कि अपना क्रमशः शतक और अर्धशतक पूरा करें छुट्टी राहुल भाई ने बोली दी है कि ट्यूजडे की दे दूंगा और ये हवा में उठाया बॉल लेकिन कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं और एम्पायर के सारे और ये 6 रन कवर के ऊपर से बेहतरीन 6 75 रन मार दिए ब्रजेश ने इनिशिएटिव का बढ़ता हुआ स्कोर 161 और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कोई भी खराब गेंद छोड़ नहीं रहे आदरजीत बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए और अपनी टीम को जीत की तरफ ले जाते हुए ग्राउंड स्ट्रेंथ से निवेदन किया जाएगा कि बीच में जो तो आ गए हैं इन्हें अगली गेंद और सीधा फील्डर के हाथों में और एक रन बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करते हुए पुरजोत स्कोर यहां पर 220 जो कि हमारे सीनियर्स बता रहे हैं मैंने अभी सट्टा बाजार देखा था सर 230 की अनुमान लगाए जा रहे हैं जैसे सब खेल रहे और ये देखिए फिर एक और फुल टॉस बॉल और उठाकर मारा है लेकिन वहां पे कोई फील्डर मौजूद नहीं और लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने फील्ड किया बॉल और या एक रन जहां होना था वहां पे दोनों बल्लेबाजों ने फिर से मिस फील्ड का फायदा उठाते हुए दो रन पूरे किए अपनी टीम के लिए और यहां पे कंधे ढीले होते हुए हवास टीम के 164 रन ओवर हो चुका है कंप्लीट ओवर हो गया 16 ओवर कंप्लीट 24 गेंदों में मेरे साथी मनीषी जी क्या बोलना चाहेंगे आपके सिर पर अगर मैं हेड रखूं तो आपका क्या अनुमान रहेगा सर ਜਾਣਦੀ ਰਕਾਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਰਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਕਹੀਏ अगली गेंद और सीधा लॉन्ग ऑन के फील्डर के हाथों में और एक रन दोनों ही बल्लेबाज समझदारी के साथ खेलते हुए ब्रजेश 76 रन पर नाबाद 77 हो गए अब 77 हो गए उनके रन और 33 रन दूर अपनी सेंचुरी से रुपेंद्र आपको सिर्फ 4 रन और चाहिए अपने अर्धशतक के लिए संभाल के खेलिएगा ये दादा ने जो एक वाक्य बोला है अगली गेंद और ये शायद अर्धशतक के लिए गेंद रुपेंद्र का अर्धशतक 50 रन रुपेंद्र के अपनी बैटिंग का जैसे रुपेंद्र ने पूरा रूप सवार के जो हमें एक बेहतरीन बल्लेबाजी का जो मुआयना पेश किया है बात करनी पड़ेगी कि दोनों ही बल्लेबाज ने बहुत अच्छा खेला 169 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट और एक नंबर की जर्सी पहने हुए एक नंबर की बल्लेबाजी करते हुए रुपेंद्र दादा इसी बात को आपकी कमेंट्री का जवाब दिया और ये कट है बहुत बढ़िया फील्डिंग ये गली की ओर
हाँ थर्ड मैन की दिशा में ये इतना आसान नहीं होता था। मैं आपको बता दूं एक बार आप चोटिल हुए थे ऐसी बॉल को पकड़ते हुए और आपने वो बॉल जहाँ पे एक रन में भेजा था आपने उसको चौके में दिया था। मैं देखा था वो मैच दादा 96-97 की बात आपसे कर रहा हूँ। उस समय आपने कई मिसफील्डिंग करी थी और आपने चौका दिया था तो फायदा नहीं हुआ। और अरे ये क्या हुआ ये तेजी से फील्डिंग करना का वो का एग्जाम्पल सेट किया। इसी बीच 171 पर इनिशिएटिव 171 इनिशिएटिव 51 पर उपेंद्र 78 पर ब्रिजेश कप्तान राहुल बहुत खुश। उसी बीच अगली गेंद को ड्राइव किया है सामने की ओर लॉन्ग ऑफ से एक रन दौड़ कर पूरा किया चहलकदमी करते हुए ब्रिजेश रुपेंद्र ने और इस पारी को संभालने का श्रेय जो है वो रुपेंद्र को जाता है। मतलब हमने जल्दी से एक पहला विकेट ले गया तो वास्तव में धोखा जी दादा आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर जवाब नहीं दोनों का ओवर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। अब जो जो 173 रन 173 रन आफ्टर लॉस ऑफ टू विकेट 70 ओवर कंप्लीटेड इसमें एक ही चौका पड़ा तो नौ रन बने। मुझे अनुमान था मेरा कि करीब 10 से 12 15 तक हर ओवर में रन बनेंगे दादा। लेकिन आप ही की बात कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी लेकिन इसी बीच वेंकट सर को बहुत जल्दी दोस्तों के अंदर रोकना पड़ेगा। काफी धूप निखर के आई है चौके छक्कों की बारिश हमने देखी है। इनिशिएटिव ने हजारों सवाल खड़े कर दिए हवास वॉरियर्स के आगे उनकी स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग के आगे कड़े सवाल पूछे हैं इनिशिएटिव ने। उन सवालों का जवाब देना होगा अपनी बैटिंग से हवास वॉरियर्स को। जैसे जैसे ओस की बूंदें सूखी हैं वैसे वैसे दादा मेरी बात हुई थी काफी चमक रही है वैसे वैसे इनिशिएटिव की पारी में भी चमक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल और ये गेंद आगे खेल बढ़ा के खेला है इसको और ये चार रन दादा कोई यार वन सेवेंटी सेवन आफ्टर द लॉस ऑफ टू विकेट इनिशिएटिव एवेंजर्स। और अभी रुपिंदर का स्कोर हो गया है 83 17 रन दूर मात्र अपने शतक से 17वां ओवर चल रहा है। ब्रिजेश खेल रहे हैं ब्रिजेश 83 पे है रुपिंदर 52 दादा आपने फिर गलती करी और साथ ही खिलाड़ियों ने हमें उसके टोक दिया और ये स्पीड 4 रन जाएगा बिल्कुल जी हाँ 4 रन कोई जवाब नहीं है हजारों सवाल पूछ लिए हैं इनिशिएटिव ने हवास से और इसी के साथ 87 पे पहुंचते हुए ब्रजेश थोड़ा सा समय दीजिए राहुल कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे स्टैटिस्टिशियंस को बोला है कि 160 रन की पार्टनरशिप है बहुत ही 160 रन इतना तो टोटल स्कोर होता है टीमों का जितनी पार्टनरशिप खड़ी करती है इन्होंने बहुत ही सुंदर गेंद वेंकट सर के बाहर जाते हुई उसको कट करना चाहते थे चौका बटोरना चाहते थे विफल रहे तो पहली लेकिन दो गेंदों पे वेंकट सर के दस्तारों में गेंद समा गई। और ये देखिए फिर से चार रन दोनों खिलाड़ियों के बीच से कोई मौका नहीं स्लीपर कवर और और 91 पे पहुंच गए हैं ब्रिजेश केवल 9 रन दूर अपने संभावित शतक से। इसी बीच हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे टीम के कप्तान राहुल आपकी बातचीत करवाएंगे उससे लेकिन इस गेट के बाद कैमरामैन भी बीच ग्राउंड में फोटो खींचते हुए नया फैशन आया दादा कहीं अगर इनको लग गई तो
और ये क्या रोकी है माने कि स्टॉप एट मिस्टर बुलेट। और यहाँ पर इसी के साथ सट्टा बाजार गर्म होता हुआ और 220 का स्कोर जो अभी तक लोगों ने प्रोटेक्ट किया था वो 230 पहुंच चुका है। राहुल खुश विलियम्स की बैटिंग देते हुए और ये बेहतरीन बैटिंग करते हुए यहाँ पे ब्रजेश और अपनी सेंचुरी के करीब जाते हुए धीरे धीरे मात्र 8 रन दूर अपनी सेंचुरी से और 2 ओवर अभी विशेष 186 रन आफ्टर 2 ओवर जो एक जीवनदान मिला था ब्रजेश को वो इतना भारी पड़ जाएगा सोचा ना होगा हवास वॉरियर्स ने। शुरुआत बहुत धुआंधार रही थी 2 विकेट जल्दी झटकाए थे लेकिन काफी सुनने को मिलेगा हवास वॉरियर्स अगली गेंद अभिलाष जी को अगली गेंद और ये उठाकर मारा है और फील्डर बॉल के नीचे आते हुए क्या ये कैच पकड़ पाएंगे और जी? नहीं बॉडी लैंग्वेज देख के ही जैसा लग रहा था कि कैच नहीं पकड़ पाएंगे वैसा ही वहां पर होता हुआ और इसी के साथ 2 रन बढ़ता हुआ ब्रजेश का व्यक्तिगत स्कोर 94 रन। क्या ब्रजेश यहां पर सेंचुरी पूरी कर पाएंगे क्या इनिशिएटिव 200 रन मार पाएगी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। इसका लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है स्टार स्पोर्ट्स पे एचडी एसडी सोनी 10 सब जगह पे इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है कल आप इसका और अगली गेंद और कबर की तरफ उठाकर मारा और ये एक बार और यहां पर कैच छूटता हुआ और 4 रन और इसी के साथ स्कोर 28 रन ब्रजेश यहां पर बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए ब्रजेश यहां पर ब्रजेश एक बार मात्र 2 रन दूर अपनी सेंचुरी से ब्रजेश को थोड़ा संभल कर खेलने की जरूरत सिर्फ 2 रन दूर है अपनी सेंचुरी से ब्रजेश आप 98 रन पे आ चुके हैं संभल के खेलेगा दो जीवनदान जो व्यक्तिगत स्कोर पर और इनिशिएटिव का बढ़ता हुआ स्कोर 192 98 रन के निजी स्कोर पर ब्रजेश आज की हाईलाइट ब्रजेश का शतक सिर्फ 2 रन दूर है अपने शतक से। अगली गेंद अमित के द्वारा और ब्रजेश तैयार एक और ओवर पिच दो गेंद और कट करना चाहते थे थर्ड मैन और गली के बीच में से कोई जरूरत नहीं है ऐसे रिस्की शॉट खेलने की 98 रन पर खेल रहे हैं बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं मात्र 2 रन दूर अपनी 8वीं सेंचुरी से वेंकट सर ने शायद कैच ड्रॉप किया पर पता नहीं अभी कंफर्म नहीं है। अगली गेंद और कट कर दिया है फील्डर वहां पे बॉल के पीछे आते हुए और 1 रन इसी के साथ स्कोर 99 व्यक्तिगत ब्रजेश का। अपने भाई अक्की को मैं बताना चाहूंगा कि अब नर्वस 99 पे ब्रजेश पर नर्वस ना हो नर्वस कर दें वो और 100 रन जड़े हो बहुत मेहनत की उन्होंने अभिषेक तो अभिषेक भाई जैसा कि मुझे लग रहा है यहाँ पर नर्वस हवास टीम हो चुकी है और हर तरह से नर्वस दिख रही है और 194 इनिशियली पिछले 200 प्लस रन बन जाते हैं तो कोई भी टीम के लिए चेज करना बहुत ही मुश्किल काम 194 आफ्टर लॉस ऑफ 2 विकेट आखिरी गेंद 19वें ओवर की अगली गेंद और कट करना चाहते थे एक बार फिर से और व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का यहां पे और बढ़ता हुआ स्कोर 195 एक्स्ट्रा की अगर हम कैरी देखें तो 26 रन सिर्फ व्हाइट से आए हैं नो बॉल और लेग बाई का तो कोई साथ नहीं टोटल 30 रन आ चुके हैं टोटल 30 रन एक्स्ट्रा के तीसरा आई एड स्कोर और ये लेग बाई का इशारा यहाँ पे शायद अंपायर की तरफ से आता हुआ लेग किसी भी तरह से आने चाहिए बिल्कुल लकी भाई जिन लोगों ने अपने टीवी और रेडियो देर से खोले हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं आरसीसी स्पोर्ट्स क्लब पे खेला जा रहा है ST T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें आज टॉस जीतने के बाद इनिशिएटिव टीम के कप्तान ने बल्लेबाजी का फैसला किया और पहले 2 विकेट गिरने के बाद जो अच्छी पारी यहां पर खेली है ब्रजेश और रुपेंद्र ने कोई जवाब नहीं लाजवाब पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी ये पारी और
और ये कट कर दिया है गली और पॉइंट के बीच में से फिल्डर के बीच में हुए और इसी के साथ यहाँ पर विजय सेंचुरी पूरी करते हुए और सेंचुरी एक करती हुई बहुत बहुत सबको कि बल्ला उठाकर हवा में दिखाए और कैमरामैन उनके पीछे भागता हुआ और ये बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए पूरे स्टेडियम का हेलमेट निकाल के स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें अपनी टीम का और यहाँ पे मौजूद 10,000 दर्शकों का। देखिए अभी भी ब्रिजेश ने हेलमेट नहीं था, वो सीरियसली खेल रहे हैं, अभी सीनियर खिलाड़ी है ये बिल्कुल। और एक बार फिर से कट कर दिया और अंडर लगती हुई और ये 4 रन के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। इसी के साथ रिसीव टीम के 200 रन कंप्लीट, 200 रन देखना है कि कहां तक ले जा पाते हैं। अगली गेंद और सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन एक रन चुराने से नहीं रोक पाएंगे और बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए दोनों बल्लेबाज। और आज तक किसी भी टीम ने अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां पे 200 रन बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं वो टीम कभी नहीं हारी है। और इसी के साथ एक और 4 रन आगे आए और गेंद को उठा के बॉलर के सर के ऊपर बेहतरीन कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर रुपेंद्र के द्वारा। अगली गेंद और आगे निकल के और ये 3 बोल्ड हो गए हैं। शायद ये अगली गेंद पे भी चौका या छक्का लगाना चाहते थे, लेकिन बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी, कोई अफसोस नहीं होगा उनको उनकी टीम को। आगे से इनका स्वागत किया जाए, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करके आते हुए आते रुपेंद्र। नेक्स्ट बैट्समैन गिरी आखिरी बॉल का सामना गिरी और उनका कोशिश गर्म होने की वजह से लग रहा है स्कोर 210 211 या 200 के 10 के आसपास रहेगा। जो पहले का अनुमान था शायद सेंचुरी के बेटर में उतना आक्रामक खेले नहीं और रुपेंद्र ने भी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ब्रजेश के पास में रहे, तो जो शायद स्कोर संभवतः 220 हो सकता था वो 210 के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। आखिरी बॉल और शॉर्ट बॉल और ये शायद यहाँ पर वाइड का इशारा और एक रन अतिरिक्त के रूप में आता हुआ बढ़ता हुआ स्कोर 208 रन। आखिरी बॉल गिरी बहुत ही जोश में, शायद सिक्स लगाने के चक्कर में है वो। अगली गेंद और ये डॉट बॉल और सीधा फील्डर के हाथों में, लेकिन एक रन यहाँ पर अतिरिक्त के रूप में बाई के रूप में आता हुआ और इसी के साथ इनिशिएटिव का स्कोर 209 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, कैमरामैन फोटो शूट करता हुआ यहाँ पे ब्रिजेश जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर आ रहे हैं। उनसे अनुरोध है कि वो हेलमेट उतार सकते हैं, हेलमेट उतार के अपनी एक फोटो खिंचवाए और टीम का अभिवादन स्वीकार करें। सिंगल हैंडेडली मैच को ले जाते हुए बहुत ही बेहतरीन पारी, उनकी सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक। Thank you.
कैमरामैन 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 कहाँ पे है कैमरामैन 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 पीछे रोड़ दी जवानी जग कर दी बरेंडा वाले टैगिंग आज दस्ता ते निशोनी है मिताजी ने की हम दा तेरे यार दादा बखिरा सवारी ओ काला कुर्ता पजामा साके तेन सोए मसले तारी साल सुखिया वाले मुट्ठी यार मुझे कैम तारी कट दिए नाम पंगा ये गुजिए मनी पिछे रोड़ दी जवानी चेक कर दी बरेंडा वाले टैग नी आज तो ना तेन सोनी मेन फैशने की हुंदा तेरे यार अंदर फिरा सुधार सुधार छोड़ यहाँ पर इंटरव्यू टीम जीत से पहले जीत का जश्न मनाती हुई तो सर यहाँ पर इनिशिएटिव टीम ने जो 209 रन बनाए हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अरे सर जो यहाँ पर इनिशिएटिव टीम ने 209 रन का बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर सर कुछ कैच छूटे और कुछ फील्डिंग भी अच्छी नहीं हुई तो 209 के स्कोर में क्या आपका यह है कि कितने ओवर में आप जीत लेंगे या क्या प्लान है कैसे जी रहेगी कुछ के बारे में सर बेस्ट ऑफ लक Thank you.
दोनों टीम से की फील्ड पे अपनी जगह ले लें, हमें दूसरी पारी का आगाज करना है। तो इनिशिएटिव ने आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी की थी, 209 रन पर उन्होंने शार्प स्कोर खड़ा किया है। वेंकट सर और आदित्य हवास की ओर से बैटिंग की शुरुआत करेंगे। एक नंबर की जट्टी में रुपिंदर वार्म अप करते हुए, रुपिंदर से अनुरोध है कि अपना टीम के समय 2 मिनट का हमें दें, उनसे कुछ सवाल पूछ जाएंगे। तो रामा क्रिकेट क्लब में रुपिंदर, जिन्होंने एक अनिश्चित की पारी खेली, रुपिंदर आपके जब आप और विजय साथ खेलने थे तो क्या प्लान, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे रणनीति को बढ़ाना है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
बिल्कुल ये हमने भी देखा कि बिजनेस थोड़े से सावधानी पूर्वक खेलने से अपने फिनिशर एक या दो ओवर जो उन्होंने पेश करे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने बाजू खोले और बहुत ज़्यादा रन बनाने लगे। तो इससे आपको ऐसा लगा कि आप उसका रन खेलें या फिर रन गति को और बढ़ाएं, कहीं पर आपको लगता है कि ये जो स्कोर आपने लगाया है 209 रन का ये पूरा बढ़िया स्कोर रहेगा हवास और इसको रोकने के लिए? बहुत मजा आया आपकी रन को, ऑल दी बेस्ट इनिशिएटिव एंड हवास वॉरियर्स को। आप सीधा प्रसारण करेंगे स्टार प्लस पे एच डी पे ये रामाकृष्ण क्रिकेट क्लब में इनिशिएटिव एवेंजर्स और हवास वॉरियर्स। विजेश से बात करना चाहेंगे एक बार, विजेश आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो 5 मिनट का अपना कीमती समय हमें दीजिए। विजेश भाई आपने जो आज बैटिंग करी है कोई जवाब नहीं उसका, किस तरह से आपने पुल के थ्रू सबके छक्के मारे हैं, क्या कहेंगे अपनी इस गाड़ी के बारे में? विजय भाई जो प्रारंभिक आपने जो अपनी क्रिकेट की शुरुआत की थी जैसे हर कोई गली कूचे से करता है वैसी आपने की थी, या आपने कोई क्लब व्लब ज्वाइन किया है और फिर अपनी टीम का नेतृत्व किया? आपको लगता है कि एक्स्ट्रा जो आवाज में भी है या फिर जो कैचेस हुए वो उनसे खाली कर सकते हैं? तो यहाँ पे ब्रिजेश बिल्कुल चुनौती देते हुए कि हम कोई मौका नहीं देंगे हवास को, हम लाइन टू लाइन मेंटेन करेंगे, फील्डिंग टाइट करेंगे और एक अच्छा कंपटीशन देते हुए हम इस मैच को जीतेंगे। थैंक्स भूपेंद्र, थैंक्स ब्रिजेश फॉर दिस ऑल दी बेस्ट बोथ द टीम। दोनों टीम से अनुरोध है कि आप अपनी 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 पोजिशन ले लें। आवास टीम के वेंकट सर और आदित्य पैडअप कर चुके हैं, तैयार हैं इनिशिएटिव को फेस करने के लिए, उनके बॉलरों को दिखाने के लिए कि देखिए हमने भी बहुत कम है अभी, हम इस स्कोर को चाहे आपने 200 के ऊपर का स्कोर टांगा है लेकिन हम इस स्कोर को जरूर पार करेंगे। राहुल यहाँ पे अपने फील्डरों से अपने साथियों से गुफ्तगू करते हुए आगे की प्लानिंग आगे की स्ट्रैटेजी आगे की फील्ड पोजीशन को सजाते हुए अंपायर बीच बीच पे खड़े हुए, बस इंतज़ार है हवास से ओपनर्स का कि वो आए और मैच को शुरू करें। लाखों दर्शक इस मैच की दिव्य संध्या से देखते हुए, मैं आ रहा था दादा बाहर से तो मैंने देखा कि किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, लोग अभी भी टिकट का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग तो अभी भी बाकी हैं कि वो सोच रहे हैं कि आधा मैंने निकल चुका है आधा बचा है तो उसी को देख लो, क्या कहेंगे आप दादा? दादा आप मेरे साथ बने हुए हैं, आप कहाँ भाग जाते हैं बीच बीच में? यहाँ पे एनएसएच की टीम फील्ड पे आ चुकी है और बहुत ही उत्साह से भरी हुई इनिशिएटिव की टीम, सारे प्लेयर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और हवास की तरफ से कप्तान वेंकट सर और उनके साथ आदित्य मिस्टर आदित्य जा रहे हैं ओपनिंग बैटिंग के लिए। ओपनिंग बैट्समैन यहाँ पे बैट कर चुके हैं और ग्राउंड के अंदर इंटर कर रहे हैं और काफी उम्मीद है ओपनर से, जैसा कि आपने देखा कि सिर्फ दो बल्लेबाजों ने 200 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे की है तो उम्मीद है कि हमें कुछ ऐसा ही आवाज की तरफ से देखने को मिलेगा क्योंकि 200 रन बहुत ही बड़ा टारगेट है। आप चौके छक्कों से नहीं जीत सकते, आपको सिंगल की जरूरत होती है, अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत होती है, तो उम्मीद है कि दोनों बल्लेबाज ऐसा ही स्टार्ट देंगे। और यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए आशीष और फील्डिंग टीम इंतजार करती हुई, तो आशीष से अनुरोध है कि वो अपना कि भाई कैप्टन के साथ ग्राउंड पे जाएं और मैच को स्टार्ट करें। और यहाँ पे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ वेंकटेश्वर आवे से फाइनल मैच करते हुए ग्लव्स को बांटते हुए और यहाँ पे दोनों बल्लेबाज बेस्ट विशेष देते हुए मैदान पे आ चुके हैं कैमरामैन फोटो खींचते हुए।
साथ अनूप चौरसिया आज न्यूज आज तक से लाइव। राहुल भाई से अनुरोध है कि जल्दी से फील्ड पैक करें। राहुल भाई वेंकट सर और आशीष वेंकट सर आदित्य यहाँ पर वेंकट सर स्ट्राइक लेते हुए सामना करेंगे पहले गेंद का और राहुल भाई अपनी टीम की फील्ड पे जाते हुए यहाँ पे यहाँ पे अंपायर एक बार चेक करेंगे कि फील्डर 11 से ज्यादा तो नहीं हो गए हैं क्योंकि निशेष की टीम बहुत ही उत्साह से भरी हुई और ऐसा लग रहा है कि 12-13 प्लेयर फील्ड में आ चुके हैं। बॉलर का नाम जानना चाहेंगे निशेष की ओर से। बॉलर का नाम अनूप कुमार। अनूप कुमार ओवर की शुरुआत करेंगे निशेष की तरफ से अनूप कुमार और बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ पर 10,000 दर्शकों से खचा कर खड़ा हुआ स्टेडियम अभी भी अगर आप अक्की भाई देखेंगे मैं वहाँ देख के आया था अभी किलोमीटर लंबी लाइन लगी है टिकट लेने के लिए लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं और ये वार्म अप करते हुए अनूप कुमार इनिशिएटिव के तेज गेंदबाज राइट आर्म ओवर कैमरा मैन से अनुरोध है कि बैट्समैन के सामने से फोटो ना खींचे क्योंकि बॉल कभी भी आ सकती है उनके पास और कैमरे के साथ साथ अपना चेहरा भी बचाने की जरूरत अंपायर को सेफ्टी गार्ड के रूप में यूज कर सकते हैं वो यहाँ पे अंपायर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लंबे चौड़े और तगड़े तगड़े अंपायर बुलाए गए हैं कि बॉल को नहीं हो फील्डर को भी कैच कर सकते हैं। आपकी भाई ग्राउंडमैन और जो फैसिलिटी मैनेजमेंट है यहाँ की आरसीसी क्लब की उसका तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने जो मेहनत की है वो दिख रहा है हमें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मेरे साथी मनस्वी मोहन शुक्ला कुछ गणना करते हुए उनका साथ आएंगे हम बीच में कि वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें हम पे। आपने बीच में देखा होगा कि वो खुद पानी की बोतल लेके दौड़ पड़े थे। काफ़ी प्रशंसक रहे हैं वो 90 के दशक तक खेले थे यहाँ पे तो किन्हीं कारणों वर्ष पीछे रह गए कोई बात नहीं। कमेंट्री की भी काफ़ी सारी टीमें बनी हैं तो हमारी सहयोगी टीम जो ऋषि भाई के नेतृत्व में हमारे बाजू वाले कमेंट्री बॉक्स आ चुकी है। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो थोड़ा समय हमें दें। ऋषि भाई ऋषि दायमा जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। ऋषि दायमा लग रहा हमारी आवाज़ सुनकर कहीं छुप गए हैं वो सामने नहीं आना चाह रहे और इसी बीच पहले के अनूप कुमार की और वाइट और यहाँ पर वाइड के साथ खाता खुलता हुआ हवास टीम का यहाँ पर हवास वॉरियर का स्कोर 1 रन। ये देखिए काफी दर्शक अभी लेट एंट्री करते हुए तीसरी गेंद वेंकट सर का स्ट्रेट शॉट 1 रन से दौड़े वेंकट सर और यहाँ पर कुछ पैरी की टक्कर होते हुए अपने साथी के साथ पर आशा करते हैं कि कोई चोट नहीं लगी होगी। कीपर का नाम जानना चाहेंगे। कीपर का नाम दीपक विकेट कीपिंग करते हुए और अनूप अपनी अपनी गेंद को लेते हुए काफी तेज गेंद लेकिन ये वाइड ओपन बहुत अच्छी कीपिंग बाई के 4 रन रोके हैं निश्चित तौर से दीपक ने। दादा धोनी की याद दिलाते हैं मुझे दीपक उसको गेट आई उन्होंने लगाई है क्या कहेंगे आप दादा। आदित्य स्ट्राइक पे अनूप अपनी गेट लेते हुए तेज है और ये यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग
नहीं नहीं बैट डेफिनेट नॉन स्ट्राइक पे आदित्य स्ट्राइक पे अनु अगली गेंद लेते हुए तीन रन आवाज वॉरियर्स के तीन रन अच्छा थ्रो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव बड़े सवाल पूछते हुए फील्डिंग में हवास वॉरियर से अभी शुरुआत है आगे देखते क्या होगा बहुत जल्दी होगा कुछ भी कमेंट जो भी हमने देखा है चार रन दीपक ने रोके हैं कीपिंग में और अभी मेरे भाई जो पॉइंट में थे उन्होंने भी दो रन रोके हैं शायद रुपेंद्र है 77 नंबर की जर्सी पहने हुए रुपेंद्र अगर है तो अपना हाथ खड़ा कर दे बिल्कुल हाँ जी रुपेंद्र बल्लेबाजी और फील्डिंग में जवाब है रुपेंद्र का अगली गेंद और ये शॉट तो कीपर के दस्तानों में नहीं समाई वाइड थी और बाई के चौके को रोका है थर्ड मैन ने वेंकट सर स्ट्राइक पे आते हुए काफी चुनौतीपूर्ण स्कोर हवास वॉरियर्स के आगे रखा है इनिशिएटिव ने देखिए कैसे पूरा करते हैं अगली गेंद के साथ अनूप लेफ्ट साइड से जैसे मानो कि हल्का सा सरसरा जैसा दिया हो वेंकट सर ने और एक रन चुरा दिया हो अभी थोड़ी नजरें जमाते हुए अभी अभी आए हैं पहला ओवर ही चल रहा है सराहना करनी पड़ेगी बल्लेबाजों की अगली गेंद अनूप की और ये कटमक के मार दिया अच्छा बहुत बढ़िया शॉट एक ओवर के बाद हवास का जो स्कोर हुआ है वो 10 रन बिल्कुल अपने जो रन रेट चाहिए उन्हें रिक्वायर्ड रन रेट उसको मेंटेन कर रखा है वेंकट सर स्ट्राइक पे आदित्य नॉन स्ट्राइक पे रुपेंद्र 77 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज अच्छे ऑलराउंडर इनिशिएटिव के देखिए दूसरे छोर से रुपेंद्र अब देखिए बल्लेबाजी में तो कमाल दिखा चुके हैं रुपेंद्र क्या गेंदबाजी में भी अपनी टीम को ताबेड़ा पार करेंगे वेंकट सर स्ट्राइक पे रुपेंद्र निकाय जमाए हुए अपने मार्कअप पे स्टार्ट करते हुए अपने ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द वाइड गेंद पिछले ओवर में हमने की दो वाइड गई थी इस ओवर की भी पहली गेंद वाइड है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं कहीं ऐसा ना हो कि 25-30 रन एक्स्ट्रा कहीं चले जाए 11 रन का स्कोर है हवास वॉरियर्स का फिर से एक गेंद वाइड गेंद बिल्कुल पटरी पे अभी आई नहीं है गेंद इनिशिएटिव एवेंजर्स के रुपेंद्र की आशा करते हैं कि हवास का निजी स्कोर 12 रन पे पहुंचता हुआ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन ओवर अभी तक इस ओवर की एक भी गेंद मान्य नहीं है वेंकट स्ट्राइक पे डिफेंसिव तरीके से अच्छा सा रोक दिया पहली गेंद आवाज के बल्लेबाज कोई मौका नहीं देना चाहते कि मैच उनके हाथ से निकल जाए कड़े सवाल पूछे हैं इनिशिएटिव रेंजर्स ने लेकिन जवाब देने का ठान क्या है ऐसा लग रहा है अपने बैटिंग स्टाइल से साडे पक्के नहीं हैरानी
हेलो हेलो, यहाँ पर पहली विकेट गिरती हुई, कप्तान का विकेट गिरता हुआ, हवा सिंह कैप्टन आउट होकर आते हुए पवेलियन की तरफ। पहले विकेट स्कोर 12 रन के स्कोर पर पहले विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। एक बार फिर से अपनी भूमिका अभिलाष मेनन नेक्स्ट बैट्समैन में रुपिंदर ने अपना जलवा दिखाया था और में भी उन्होंने खतरनाक बल्लेबाज हैं उनका विकेट ले लिया है। अब फर्स्ट डाउन जाते हुए हेलो आदित्य का साथ निभाने जाएंगे अभिलाष। पहला विकेट कप्तान वेंकट के रूप में आउट होते हैं। नदी के रंग रुपिंदर अगली बॉल के साथ तैयार। अभिलाष अपना गार्ड लेते हुए पिच का हल्का सा मुआयना करते हुए स्ट्राइक पर अभिलाष साथ देते हुए आदित्य रुपिंदर सामने काफी तेज गेंद बल्ले के शायद पिच में लगी है। बैट्समैन अपने बल्ले का टू देखते हुए बल्ले पर आई नहीं वरना कुछ रन निकल सकते थे। कोई बात नहीं, पहली गेंद का सामना कर रहे थे अभिलाष। रुपिंदर अब अपनी अगली गेंद के लिए अपने मास्टर्स पे जाते हुए आवाज का स्कोर 12 रन एक विकेट से लेग साइड पे खेल दिया है। बिल्कुल दादा, दूसरे रन की कोई संभावना नहीं थी, मैं आपके साथ हूँ इस बात के लिए। आदित्य अब स्ट्राइक से आते हुए रुपिंदर थोड़ा सा फील्डर को सेट करते हुए उसको और स्क्वायर भेजते हुए और ये लेग साइड पे जी हाँ अंपायर ने वाइड को करार दिए। थोड़ा लंबा ओवर हो गया, ये तीन वाइड हो चुकी है ऑलरेडी लेकिन इसको भी इतना आगे है कि एक दो गलतियां माफ की जा सकती है। बिल्कुल दादा, एक्स्ट्रा रन ऐसे हैं कि जो फ्री में मिले हैं आपको कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा और हर एक रन बहुत कीमती होता है। आप तो अपने अनुभव से बता ही सकते हैं, कई क्लोज मैचेस आपने जिताए हैं इंडिया 16 ए मैच आप खेलते थे। आप बिल्कुल दादा, और इसी बीच रुपिंदर फिर से मार्कअप पे अगली गेंद सामने आदित्य मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिस कर गए। डॉट बॉल होगी, जी हाँ डॉट बॉल है। दूसरे ओवर की अब एक विकेट पे आवाज और 14 रन एक विकेट पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टू ओवर लॉस ऑफ वेंकट पर विकेट। देश ही नहीं विदेशों में भी इस मैच का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं। सराहना करनी पड़ेगी दादा हमारे टेक्नीशियनों की, ग्राउंड स्टाफ की, जो इस मैच के लिए पिछले एक महीने से तैयारी कर रहे थे। अगली गेंद
अनुप की पहली गेंद को चार रन पे ग्रास करते हुए शानदार चार रन। और ये एक रिवाज चलाया है T20 में, आप देख सकते हैं जैसे ही गेंद लेग स्टंप पे थी उसका गति का पूरा फायदा उठाया, कलाइयों का सदुपयोग किया और गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। तो इसमें शक्ति कम और बुद्धि ज्यादा मैं कहूंगा। क्या बात है दादा, आपकी कमेंट्री का जवाब नहीं। और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद को कट करना चाहते थे, बीट हुए बिल्कुल। और यहाँ पे पैरी ने एक अच्छी दौड़ लगाई, 44 नंबर की जर्सी पहने हुए, नंबर पहने हुए। ये तो गजब हो गया दादा, कॉस्ट्यूम वाले को बोलना पड़ेगा कि जर्सी नंबर चेंज पर वो दोनों की पसंद 44 नंबर है। ओहो, कुछ खास लगाव पैरी का 44 नंबर से। इसी बीच अनुप ने कट मारा है, तीन और घबराता मौका, ओवर थ्रो होता हुआ लेकिन बैकअप कर रहे थे और फिर ओवर थ्रो, कीपर जमीन पे ही गिरे हुए थे, दोबारा से बैकअप कर रहे फील्डर ने पॉइंट पर थ्रो किया। राहुल कप्तान अपनी कप्तानी को साबित करते हुए लीड कर रहे हैं, फ्रंट से गिरकर उन्होंने इस गेंद को आगे बढ़ते हुए फील्ड किया था। हवा टीम से अनुरोध है कि अपने टीम को चीयर अप करें, उनका उत्साहवर्धन करें, बहुत काम आता है वो। अगली गेंद के साथ अनु वाइड, गेंद काफी बाहर और इस समय आक्रामक क्षेत्र रक्षण लगा के रखा है राहुल कप्तान ने। आफ्टर 2.4 ओवर्स हवास वॉरियर्स इज एट 20 रन एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। किला बंदी जैसे कर दी है, पावर प्ले चल ही रहा है, गैप में अगर बहुत जाएगी तो निश्चित तौर से चार रन होगा, पर अभी संभल के खेलने की जरूरत, बाद में अपना मतलब जैसे पिछली पारी में ब्रजेश और उपेंद्र ने हमें दिखाया था। दादा आपको भी पेशेंस की एक मूर्ति कहा जाता है, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो जहाँ पर आपने पेशेंस दिखाया और तक जरा हो? वो समय और अब ये समय परिवर्तन हो चुका है, अब 2020 के मैच में आक्रामकता की जरूरत है। खेला बहुत तेजी के साथ में, लॉन्ग ऑन से आगे आए फील्डर, लेकिन ओवर समाप्त हुआ इसी के साथ में। आप तक थ्री हवास वॉरियर 21 रन एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। और ये चलन है चेयर पर डांस करते हुए, जब कभी इसमें कुछ चौका छक्का लगता है तो ये गाना चला देते हैं और फिर चेयर पर आप देख सकते हैं कि डांस करते हैं। अगर आपको याद हो तो के आसपास की स्कोरिंग रेट था जब, बिल्कुल दादा आपकी इनिशिएटिव खेल रही थी तो अभी उसी स्कोर पे चल रहा है और एक विकेट 21 रन पे 2 विकेट गिर गए थे इनिशिएटिव के। उसके बाद गजेश और रुपेंद्र ने चमकती धूप की तरह चमकती पारियां खेली और अपनी टीम का स्कोर 209 के पार पहुंचाया। तो क्या कुछ ये दोनों बल्लेबाज इस उसी बात की पुनरावृत्ति करते हुए एक अच्छा सा स्कोर खड़ा कर पाएंगे और अपनी टीम को विजयश्री दिला पाएंगे क्या? महान खिलाड़ी हुई है दादा जो, ठीक है जी हाँ, हो सकता है कि अभी शुरुआत में किसी भी रुपेंद्र अगला हो ले तो पहली गेंद शानदार और तब का किला जब से कसम खा के है कि मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेके ही जाऊंगा देंगे ब्रजेश उनको, लेकिन अच्छी बच्चे और अपना दूसरा विकेट खोते हुए हवास वॉरियर्स। नए बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे,
नवीन आए हैं बल्लेबाजी के लिए, यार आउट आदित्य, माफ कीजिएगा आदित्य आउट, शतुजी क्रीज पे है, माफ कीजिएगा अविनाश भाई, गलती से आपका नाम ले लिया, आपको क्षमा कर रहे हैं, मुस्कुरा क्षमा कर दिया आपको गलती के लिए। अभी जो करंट स्कोर चल रहा है वो 21 रन कितने, अभिलाष की अभिलाषा है कि वो शतक बनाए और टीम को विजय सिंह की ओर ले जाए। दादा आपकी कमेंट्री का जवाब नहीं, अभिलाष की अभिलाषा क्या बात। नवीन भाई क्रीज पे आते हुए सीधे स्ट्राइक पे जाएंगे, रुपेंद्र को खतरनाक रूप में रुपेंद्र ने लिए हैं रैकेट का और अभी अभी आदित्य का। तो अभी हमारे बीच में आयतन मौजूद है टीम गेंद के रूप में, रुपे उनसे अनुरोध है कि वो बताएं कैसा उन्हें लग रहा है इस मैच के बारे में। अभी बोला कि इसमें कोई भी गलत करने से ठीक नहीं होगा। बोले बोले काफी समय दे रहे हैं आयोजक के तौर पर, तो उनसे मैं जानना चाहूंगा कि उनका अनुभव कैसा रह रहा है। यहाँ पे साथी भी हमारे साथ जुड़ते हुए देखिए, जैसे जैसे धूप निकली थी यहाँ पे धुए ऑफ पाएंगे, अभी भी कुछ लोग टिकट का वेट करते हुए भाग टिकट के साथ तैयार। पच्चीस के स्कूल के हवास में ये मान लीजिए कि 25 पूरी कर ली है, पर अभी दिल्ली बहुत दूर है, 210 रन चाहिए उन्हें। कहाँ से चले थे अभी तक दिल्ली के लिए आप, हिमाचल से? सर हरियाणा से ही चले थे, अभी तो दिल्ली पहुंच नहीं पाए, और ये पॉइंट पे कप्तान राहुल की मुस्तैद फील्डिंग, एक बात की दाद देनी पड़ेगी दादा कि फील्डिंग पे कुछ नहीं छोड़ी है इनिशिएटिव ने। अगर मैं बोला था कप्तान राहुल ने कि और शायद जिस कपल चतुर फील्डर हैं वो उसका मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल दादा बिल्कुल दादा, ये वाइड गैप आज समानांतर जमीन के ऊपर उठाया और दादा क्रिकेट की भाषा में बोले तो अंपायर ने 2x2 की जमीन नाप ली हाथ चला के, अंपायर मुस्कुराते हुए हमारा अभिनंदन करते हुए अंपायर और नवीन भाई ने लेग साइड पे खेल, लेकिन पैड पे लगी थी लेग बाई के रूप में, लेकिन कई लेकिन ये देखिए टीम स्पिरिट को कह सकते हैं, गेम स्पिरिट को कह सकते हैं, कैप्टन आए और नवीन को उठाया अंपायर। रुपेंद्र अपने ओवर की आखिरी गेंद की तैयारी करते हुए, सामने नवीन आखिरी गेंद उपेंद्र के ओवर की और काफी अच्छा शॉट लेफ्ट साइड पे जाते हुए, क्या चाहते जी हाँ जी हाँ इशारा करेंगे बिल्कुल दादा। अभी तक तो दो मैच कल संपन्न हुए हैं, एक एसटी ब्लास्टर्स का और डेंसो का, अभी स्कोर इस मैच का हुआ है 30 रन। चार ओवर की समाप्ति पर 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। Oh, yeah!
ऐसा नहीं था लेकिन सबको छोड़ के जा रही थी। अंपायर ने सर घुमाकर नकार दी सभी को। पांचवा ओवर चलता हुआ अभिषेक अपने माइक से संतुष्ट नहीं। पाकिस्तान के बाहर बस वाइड का इशारा था हुआ स्कोरर 31 रन इस अतिरिक्त रन के साथ थे। इस ओवर का पहला पाकिस्तान के बाहर एक और अतिरिक्त रन उसको बहुत ही अच्छी नपी तुलिंग बॉलिंग कर रहे हैं और नवीन बार बार उनकी गलती से चकमा खा जा रहे हैं। उनके पास इस नपी तुली बॉलिंग का कोई जवाब नहीं। 11 नंबर की जर्सी पे बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं। बोल्ड हो गए नवीन लगातार बीट कर रहे थे और इस बार गिल्लियां बिखेर दी। यहाँ पे अपना तीसरा विकेट खोया हवास वॉरियर्स ने। संभाल के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे इनिशिएटिव ने तीसरा विकेट खटक लिया है हवास वॉरियर्स का। दाद देनी पड़ेगी कि कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और इसी के साथ बल्ले बॉय नीलेश यादव जी आ रहे हैं। उनका मैं उनको हार्दिक स्वागत करता हूं। उनको जन्मदिन की बेहद शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर उनको दीर्घायु करे। एक यहां पे बड़े भाई गणेश यादव जी के जन्मदिन पे क्रिकेट टूर्नामेंट से खोली जाए उनका बर्थडे मनाया जाए। किशोर आए हैं अपनी पहली गेंदबाजी के लिए अगर और बैटिंग कर रहे हैं अभिलाष। बैट्समैन नेम जानना चाहेंगे हवास वॉरियर्स से दोनों जनों के। अमित स्ट्राइक पे अभिलाष है। किशोर की पहली गेंद अच्छी गेंद लेकिन उतनी ही अच्छी फील्डिंग। और 33-3 किशोर है बॉलर फ्री नहीं है। दादा आप क्यों गलती कर रहे हैं बार बार
बहुत बढ़िया फील्डिंग, निश्चित तौर पे दो रन, और अगर थोड़ी मिसफील्ड होगी तो शायद चार रन बचाए हैं। अच्छी फील्डिंग किशोर भाई के द्वारा, अपने मार्कर पे दोबारा आते हुए बॉल को रगड़ते हुए, लेकिन स्पिन मिलेगी नहीं भाई। अगली बॉल और तारीफ करनी पड़ेगी किशोर की, एक भी बॉल अभी तक उन्होंने वाइड नहीं करी और चार की चार बॉल डॉट डाली है। बहुत बढ़िया बॉलिंग का मुहावरा पेश करते हुए किशोर, चार की चार बॉल डॉट डाली है उन्होंने, बहुत बढ़िया तुरंत कैच निकाला है कप्तान राहुल ने, और शायद चार रन। अभिलाष जी का ये शॉट सीधे कमेंट्री बॉक्स के कांच पे लगते हुए, रुपेंद्र के सिर के ऊपर से बॉल गई और सीधे चार रन। आप ही गेट कैमरामैन गोल, कैमरामैन के साथ पवेलियन में आए, अगर फोटो खींच चुकी है तो फोटो ले ली तो जाती। और यहाँ पे बड़े प्लेयर अभिलाष नाहर ग्राउंड में आते हुए, इनका स्वागत किया जाए तालियों से कृपया। अमित स्ट्राइक पे, नए बल्लेबाज सागर, अगर सागर है तो हाथ खड़ा करें, बिल्कुल सागर, धन्यवाद सागर। और ये पहले लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन देख रहा हूं मैं, नहीं हाँ लेफ्ट हैंडेड ही है। 35 रन के स्कोर पे ब्रिजेश, ये 77 नंबर की जर्सी हम भूल नहीं सकते ब्रिजेश की, जिन्होंने शतक जड़ा। रुपेंद्र भी बॉलिंग करते हैं, पता चला है कि ब्रिजेश भी बॉलिंग करते हैं, काफी अच्छा ये ऑलराउंडरों का सहयोग कप्तान राहुल को। और ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन के रूप में तैयार, पहली गेंद उठा के मारा था कीपर अमित ने, थ्रो भाई सुपर पर सागर, 38 रन 4 विकेट के नुकसान से। आवाज बोलिए ओवर हो गए हैं, सातवां ओवर चल रहा है, नकेल कसी पड़ी है इनिशिएटिव के कप्तान ने। कुछ सेकंड की फोटो खिंचवाते हुए होते हुए, ये आपने देखा नहीं होगा कि इंडिया के मैचेस में ऐसा होता है, लेकिन फिलहाल ये मैच आप सही है कि एक ऑफसाइड लोकेशन ये अलाउड है। अमित स्ट्राइक पे, पहले लेफ्ट हैंड बैट्समैन सामना कर रहे हैं ब्रिजेश का, और उठा नवी फिरोजपुर वाले इंज बोलता ना बाल गल करता है हिंदी जोड़ी दे दी और
अगली गेंद और शायद बल्ले से निक हुई है ये हार की आवाज यहाँ पर उनकी बॉक्स तक आई थी चार रन कोई मौका नहीं कीपर के लिए कोई मौका नहीं थर्ड मैन के खिलाड़ी के लिए कि इस बॉल को रोका जाए टोटल स्कोर 47 तीन रन दूर हवा हो रही है सबसे अच्छे अमित के आते दो तीन स्टॉप के देखने को मिले मानो कि बदला ले रहे हो ब्रिजेश से कि तुमने इतने चौके मारे थे तो दो तीन चौके खा भी लो पर कोई नहीं ब्रिजेश चलता रहता है कप्तान राहुल अगले गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे किशोर अब आए हैं गेंदबाजी के लिए और इस मैच का सीधा प्रसारण आप स्टार प्लस सोनी टेन पे भी देख सकते हैं प्रशांत पीछे किशोर अगली गेंद लगे पिछला ओवर काफी अच्छा किया था उन्होंने सिर्फ चार रन दिए थे और अगले ही गेंद में विकेट भी ले लिया था तो हिसाब बराबर किया था अगले ओवर की पहली गेंद किशोर बहुत तगड़ी अपील की है क्या बल्ले का दिख है अपने ये कप्तान राहुल से कहना चाहेंगे कि हॉटस्पॉट से देख चुके कोई पिक नहीं है और यहाँ पे ये कभी कभी खिलाड़ी लोग करते हैं ऐसा वाइट को करने के चक्कर में अपील करते हैं अगली गेंद किशोर की आउट की फिर से अपील पर उत्साह ज्यादा था विश्वास कम था और अंपायर ने भी कहा कि आप मुझे बना नहीं पाओगे नॉट आउट है ये अंपायर हंसते हुए राहुल भी हंसते हुए आज दिन है उनका अच्छा स्कोर खड़ा किया है टीम ने अगली गेंद किशोर की डॉट बॉल ये बॉल में कोई कमी नहीं थी डॉट बॉल है काफी समय के बाद एक डॉट बॉल और ये प्रैक्टिस के दौरान नवाज वॉरियर्स की एक गेंद अंदर आते हुए फील्ड के और बड़े प्यार से लेग लांच कर दिया है फील्डर के अच्छा थ्रो सटीक थ्रो इस बात की दाद देनी पड़ेगी इनिशिएटिव टीम की फील्डिंग में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है बहुत बढ़िया फील्डिंग फील्डर का नाम जानना चाहेंगे रवि को रवि की बहुत बढ़िया फील्डिंग कुछ फील्ड पे चेंज 77 नंबर की जर्सी ब्रिजेश भागते हुए स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ लेफ्ट हैंडेड अमित खेलते हुए 9 रन के स्कोर पे हैं और सागर 2 रन के अपने निजी स्कोर पे इनिशिएटिव को सॉरी आवाज को 1 रन चाहिए अपने अर्धशतक के लिए आवाज वॉरियर्स यू जस्ट नीड 1 रन फॉर योर 50 और बहुत ही बढ़िया गेंद किशोर बहुत बढ़िया गेंद किशोर की ये चौथी गेंद थी हर गेंद में खूबसूरती से मैंने डाली है कि अभी अगर मैं देखूं तो किशोर ने सिर्फ 6 रन दिए हैं अपने 2 ओवर में गार्ड लेते हुए किशोर वापस निगाहें तेज और उतना ही तेज शॉट छक्का लेकिन
आई नहीं, यहाँ पर शायद ग्लास बदलने का अंदाजा इशारा कर रहे हैं। गर्मी भी हो, ये बल्ला बदलने के लिए कह रहे हैं। आवाज की टीम से कोई बल्ला या ग्लास लेके जाएगा? जी हाँ, काफी अच्छी बल्लेबाजी अमित आवास वॉरियर्स की तरफ से। किशोर की और रुपेंद्र की खासकर तारीफ करनी पड़ेगी, जिन्होंने विकेट भी निकाले हैं और रनों की गति को भी थोड़ा सा रोका है। हमारे साथी स्कोर बोर्ड के आकाश अभी अपनी सीट पे नहीं है, वरना हम आपको लाइव स्कोर का भी स्कोर कार्ड बताते हैं। आकाश जो हमारे साथ स्कोर बोर्ड देखे पड़े तो जल्दी से आए, मेरे साथ बने रहे। मनस्वी दादा भी अभी 55 रन आफ्टर लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 8 ओवर्स कंप्लीटेड। अगला ओवर ब्रिजेश पहली गेंद अपने नए ओवर की, और ये लेकर खेल दिया, क्या चाह रहे जाएगा? नहीं, रोक लेंगे। खेलने वाली सभी टीमों का हम कल का बता देते हैं। रिकॉर्ड इस ग्राउंड का 242 और 223 था, तो कृपया पेस को बढ़ाएं और इस ग्राउंड के बीच में रखें। कुछ गुफ्तगू होते हुए ब्रिजेश, जिन्होंने आज शतक जड़ा है इनिशिएटिव के लिए, जो स्टॉपिंग शक्ति की बारिश आज उन्होंने दिखाई है, वो अगर आप होते तो आप देखते किसी भी दूसरे मैच के लिए बीच में आते हुए। इस मैच का सीधा प्रसारण आप 7:10 ओनली टाइम पे भी देख सकते हैं। और ये कैच होना चाहिए, और कैच पहला कैच तो हो चाहिए। अनुप ने बहुत बढ़िया कैच पकड़ा है, अभिलाष मैच आउट हो गए, अमित आउट हो चुके। नए बैट्समैन का नाम प्लीज। बैट्समैन का नाम प्रवीण। प्रवीण साथ देंगे अब अपने खिलाड़ी का, ब्रिजेश जिन्होंने शतक तो जड़ा ही जड़ा और उसके बाद अभी एक विकेट भी ले लिया। मैन ऑफ द मैच के प्रबल हकदार है ब्रिजेश। स्कोर बोर्ड देखे मेरे साथी भाई आकाश से निवेदन है कि मेरे साथी बने रहे। आकाश जो स्कोर बोर्ड देख रहे हैं हमारा, बने कितना स्कोर हो गया? बोले बॉय 57 रन 5 विकेट के नुकसान पे हवास वॉरियर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8.4 ओवर। 57 रन हवास वॉरियर्स। प्रवीण समझ के खेलते हुए वाइड गेंद,
थोड़ा सा लाइन एक्सेप्ट रखते हुए ब्रजेश, लेकिन आज सब कुछ माफ है उनको। प्रवीण स्ट्राइक से, सागर नॉन स्ट्राइक से, और किशोर अपनी गेंद करते हुए प्रवीण एक अली तो लुकिंग अपनी बट हॉटस्पॉट पर चेक कर चुके हैं कि पहले ट्रांसफॉर का बंदा किशोर अग्नि को करते हुए प्रवीण को, प्रवीण भी हो सकता था लेकिन ज्यादा कुछ इंटरेस्ट दिखाए नहीं उन्होंने। ड्रिंक्स का टाइम हो गया है, खिलाड़ियों से अनुरोध है कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाए ड्रिंक्स बॉयज हमारे अभी आपके लिए रिफ्रेशमेंट लाते ही होंगे। ड्रिंक ब्रेक ये 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद फिर से एक बार जुड़ेंगे आपसे, 10 मिनट कर देंगे कोई बात नहीं।
के बीच स्प्रिंग ब्रेक के बाद इनिशिएटिव टीम फिर से पोजीशन लेते हुए प्रवीण बॉलर का नाम नहीं चाहिए, बॉलर का नाम ब्रिजेश प्रवीण और सागर, सागर अभी स्ट्राइक पे, प्रवीण नॉन स्ट्राइक पे, बॉलर ब्रिजेश, सामना होगा उनका सागर से। सागर को थोड़ी गहराई दिखानी पड़ेगी बैटिंग में। और ये थर्ड मैन के ऊपर जाते हुए एक ही रन मिलेगा। एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी इनिशिएटिव की टीम की कि फील्डिंग में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, फील्डिंग बहुत बढ़िया की है। शायद ही कोई एक रन उन्होंने एक्स्ट्रा फील्डिंग की वजह से दिया हो, और अब एक्स्ट्रा से भी काफ़ी कंट्रोल है। जैसे किशोर बॉलिंग पर आए हैं, आवास ने एक्स्ट्रा ड्रॉ दिए थे, 30 के आसपास उनके एक्स्ट्रा थे। देखना पड़ेगा अगली गेंद ब्रिजेश की, दीपक की अच्छी कीपिंग, कीपर का नाम अगर दीपक है तो हाथ खड़ा करें। अनु अनु और यहां पर एक रन चला लिया है और रनआउट का मौका तो सकता, बैकअप भी तैयार था। ये देखिए फिर से बहुत बढ़िया फील्डिंग का मुआयना जो पेश किया है इनिशिएटिव की टीम ने। अनूप की रफ्तारों में फिर से एक बार गेंद ब्रिजेश की। 11 ओवर के बाद हवास का 61 रन का स्कोर है और 5 विकेट आधी टीम पर विलय जा चुकी है। हवास वॉरियर्स के 5 विकेट के नुकसान पे बॉलर का नाम गिरी आए हैं बॉलिंग में। पहला ओवर डालेंगे, ये सामने है प्रवीण, उनका साथ दे रहे हैं सागर। गिरी राइट आप ओवर था, वाइट गए, अब वाइट की शुरुआत करते हुए गिरी अपने ओवर की। बारहवें ओवर की शुरुआत करते हुए गिरी अभी भी अपनी पहली गेंद पर ध्यान में, और थर्ड बॉल प्रवीण का अभी निजी स्कोर है 2 रन 13 गेंदों का उन्होंने स्ट्रोक का सामना किया है। प्रवीण 2 रन
सागर 4 रन पे, आवाज 62 रन पे 62 पे, प्रवीण सुनते ही बल्ला घुमाया अपना 30 रन दौड़ पड़े। तीन पे प्रवीण, 4 पे सागर, 63 पे आवाज। प्रवीण ने 15 बॉल खेल लिए, 3 गिरी अपनी अगली गेंद के साथ। इसके बाद मेरे साथी कमेंटर मनीष मोहन शुक्ला दादा, मैंने अभी कैमरामैन को कैच किया रिकॉर्ड खाते हुए, उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारा साथ दें और इस मैच का लुत्फ लें। आवाज तीन का पहला छक्का है ये, नहीं दूसरा दूसरा ये एसीसी छक्का। ओवर के बाद हवास का स्कोर है 74 रन। बॉलर ने दीपक सागर के सामने, सागर के 10 रन हो गए हैं एंड प्रवीण हैज स्कोर 3 रन। आवाज 75 रन आफ्टर लॉस ऑफ 5 विकेट एंड दिस इज 13th ओवर विच इज रनिंग। रोक के रखा है इनिशिएटिव की टीम ने, दीपक की अच्छी बॉलिंग, बाई का रन दौड़ सकते हैं। जी हाँ, एक रन दे दिया। प्रवीण और सागर को थोड़ा सा सुस्ती करनी पड़ेगी बिटवीन द विकेट, और इसी बीच दीपक फिर से अपने मार्क पर जाते हुए अंपायर के साथ कैमरामैन, ये आजकल एक नया चलन आया है, कैमरामैन भी फील्ड पे रहते हैं। काफी तेज बॉलिंग दीपक, जैसे आज दीपक जलाएंगे इनिशिएटिव का जीत का। रूपेंद्र ब्रजेश की एक अच्छी बल्लेबाजी देखी थी हमने, उसके बाद गेंदबाजी में उन्होंने अपने जौहर दिखाए, कप्तान राहुल के तुरुप केक के साबित हुए। अब देखना पड़ेगा कि मैन ऑफ द मैच किसे मिलता है, बट अभी 7 ओवर का गेम बाकी है। आवाज प्रवीण, प्रवीण का भी अपना निजी स्कोर हुआ है 3, 17 गेंदे खेल चुके हैं ये। सागर 10 रन, 13 गेंदे खेल चुके हैं ये। 77 पे 5 हवास वॉरियर्स और 13वां ओवर चल रहा है।
रन गति का तो कोई हिसाब ही नहीं कहां पहुंच गई होगी। सेवेंटी सेवन फॉर फाइव हवास इनिशिएटिव पे जैसे बात के रख दिया हो, हजारों सवाल पूछे हैं आठ हवास से, पहले बॉलिंग में क्वेश्चन पूछे और अब बैटिंग में भी कड़े सवाल पूछ रहे हैं उनको। प्रवीण स्टंप हो सकते थे आक्रामक रूप में, बट थोड़ा रणगति को बढ़ाना पड़ेगा अगर कुछ टक्कर या कुछ सम्मान स्कोर देना है उन्होंने। इनिशिएटिव में जैसे बात कर दिया हो, और दादा आपके क्या विचार है इस गेम को, गेम को देख के आप? मुझे लग रहा है कि गेम केवल एक ही ओर जा रहा है, वो विजयशी लग रहा है। इनिशिएटिव के वर्ण करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी गेंद और सिस्टम के बाहर उसको कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर। न्यू बॉलर नेम जानना चाहेंगे, गिरी आए को लेके कप्तानी की दाद देनी पड़ेगी। स्पीड प्लेसमेंट बॉलर ऑप्शन बहुत चुन चुन के लगा रहे हैं राहुल, ऐसा नहीं है कि एक ही गेंद पूरे निर्भर है, तीन गेंद हर गेंदबाज हर फील्डर हर प्लेयर ने एक अहम भूमिका अदा की है। 77 for 5 हवास 209 रन खड़े किए थे इनिशिएटिव ने, छोड़ दिया था और अभी 70 दौड़े पूरी कर लिए उन्होंने। और ये राहुल के पास एक रनर का चांस हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हिट होती तो शायद कुछ बात बन सकती थी, लेकिन एक बात देखेंगे कि वहां से राहुल को केवल मौका था एक ही दिखाई पड़ रहा था। दादा ये बात बस आप ही की नजर पकड़ पाई, आपकी कार की नजर और ऐसे में जब तक वैसे 10 मौकों पे ही ऐसा होता है कि आप एक स्टंप को हिट कर पाए और ये बिल्कुल लगा। 78 रन हवास वॉरियर्स इनिशिएटिव डीप की ओर अग्रसर, ऐसा लग रहा है कि हवास ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन अभी और इसी बीच एक शॉट कैच हो सकता है लेकिन नहीं, फील्डर ने ट्राई नहीं किया, लॉन्ग ऑन पे थोड़ा सामने की गिर पड़ी गेंद पहुंच नहीं पाई और शायद ज्यादा दूसरी साइड से सूरज भी आ रहा है तो क्या बताओ उनकी आंखों में धूप आ गई हो, ऐसा भी हो सकता है शायद रिजल्ट नहीं कर पाए, बिल्कुल हो सकता दादा। और ये गेंद कट किया है, गेंद पॉइंट के ऊपर से चार रन ले जा रही थी, चार रन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, बाहर की ओर से कोई सिग्नल नहीं है, बहुत सुंदर फील्डिंग, थर्ड मैन से भाग कर गए। इनिशिएटिव चाहे जानते हैं कि वो आगे हैं लेकिन अभी भी एक एक रन बचा रहे हैं, तीन फील्डर को पहली बार मैंने एक बॉल गिर के दौड़ते हुए मानो झपट गया उन्होंने, करारा शॉट पर उतरी करारी फील्डिंग, गेंद पे चीते की तरह झपट रहे हैं इनिशिएटिव के फील्डर बिल्कुल दादा। और इसी बीच प्रवीण का शॉट और शायद रन आउट हो जाए, लेकिन ये गलत जगह पे शायद गलत एंड पे थ्रो मारा गिरी ने, अगर वो अपने बॉलिंग वाले एंड पे थ्रो मारते तो शायद प्रवीण आउट होते, लेकिन उन्होंने ये सोचकर थ्रो किया कि उधर विकेट कीपर है, बैटिंग बैकअप है तो अतिरिक्त रन बिल्कुल बिल्कुल लगा ये भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट प्रवीण इज मोर ऑन बॉलिंग एंड। अगली गेंद गिरी की, सागर ने बल्ला घुमाया लेकिन बॉल आई नहीं और ये पाई का एक रन मिलेगा, गेंद कुछ नीचे रह गई थी इस बार, पिछले विकेट कीपर को कलेक्ट करने में दिक्कत आई। दीपक विकेट कीपर है, अगर है तो हाथ खड़ा करें, नहीं है हाथ रहे कोई बात नहीं, 11 नंबर की ड्यूटी में रथ
स्कोर बोर्ड के मेरे भाई आकाश रन बताना चाहेंगे। 83 रन हवा आकाश। बॉलर नेम जानना चाहेंगे। दीपक आए हैं बॉलिंग में और राइट आर्म ओवर था, बहुत प्यार से खेला सागर ने मानो की। और ये मिसफील्ड बहुत, मेरे ख्याल से शायद ये दूसरी मिसफील्ड होगी इनिशिएटिव की टीम से, लेकिन काफी गैप तेज भी थी। राहुल का अच्छा प्रयास पर रोक नहीं पाए, विस्तृत नहीं कर पाए हवास के, लेकिन गति को जरूर कर दिया था, इसलिए मौका मिला पीछे बिल्कुल फील्डर को उसको रोकने का। सागर 12 प्रवीण 7 अपने निजी स्कोर। गेंद स्टंप के ऊपर बल्ले के ऊपर से कोई हवा नहीं लगी। 85 रन हवास वॉरियर्स। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं होता हुआ इस बार। तो एक परंपरा हमने देखी है इसी T20 टूर्नामेंट की थी, इस टीम ने भी 200 का आंकड़ा पार किया है। चेस करने वाली टीम के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है सफर, बिल्कुल अगर चेस करना आसान नहीं होता। और ये एक बार अपील, ये शायद बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने नकारा। अंपायर इस अपील से संतुष्ट नहीं, बॉलर बहुत श्योर, कीपर श्योर, लेकिन अपनी टीम को शांत करते हुए राहुल कप्तान जो है उन्होंने कहा कि नहीं, अंपायर का निर्णय अंतिम है। बिल्कुल मेंबर ऐसा होता है जिसका निर्णय अंतिम और इस खेल का जो मेंबर है वो अंपायर। इसी बीच प्रवीण ने संभाल के राहुल को फिर टिकट दिया। एक प्रवीण धीरे धीरे अपने स्कोर कार्ड को आगे, अपने निजी स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि ऑफ साइड के पीछे की फील्ड लगी हुई है बाउंड्री लाइन पे। 85 रन हो गए हैं, 85 रन आवाज के, 210 रन का पहाड़ जैसा स्कोर उन्हें पार करना है। और इसी भी सागर ने बल्ला तो घुमाया। ये देखिए इस ओवर की हर कैच शायद राहुल के पास ही गई है, जैसे मानिए कि राहुल को ही चुना है उन्होंने हर बॉल देने के लिए, चाहे प्रवीण हो चाहे सागर हो, हर बॉल वो राहुल को ही दे रहे हैं। एक्चुअली गेंद सारी मिडिल और ऑफ स्टंप पे, ऑफ स्टंप के बाहर है और इस लेंथ की है कि क्या बात है, लेकिन ये गेंद। और इसी बीच चार रन सागर से, बहुत बढ़िया। तो अब तो स्कोर बढ़ के हो चुका है 90 रन। 15 ओवर की समाप्ति पे 89 रन, 89 5 विकेट के नुकसान पे। इस टीम गेंदबाजी का कसरत जारी करेंगे दूर वाले खोल से। अभय और अब स्पिन गेंदबाजी के जाल में फंसाना चाहेंगे ये गेंद और इसको लेग साइड पे खेला बैटिंग राउंड, लेकिन बहुत ही स्लो 15वें स्टंप को बताऊंगा। एक बार फिर राइट ऑफ मारो सागर मारो, ये कैच हो सकता था संभवतः, बल्ले के ऊपर आई गेंद तीन से। बैट बदलने की गुजारिश हुई है बैट्समैन की तरफ से, शायद भारी बल्ले से खेलना पसंद करेंगे क्योंकि रन गति ज्यादा चाहिए। दोनों बल्लेबाजों ने इस बीच में अपने बल्ले चेंज किए हैं क्योंकि पीछे पवेलियन से काफी मांग उठ रही थी कि स्कोर की गति को बढ़ाया जाए
और उसी क्रम में बल्ला चेंज किया है और इस मौके का फायदा उठाते हुए और ये गेम तो शायद इस समिंग का बहुत हो सकता है आगे निकल के मारना चाह रहे थे आइए अब आइए शाबाश अब आइए अब आइए पूरी तरीके से बीट हुए विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए सफाई के साथ और ये गेम इसको घुमा दिया है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे चार रन समझौता नहीं उस मिड विकेट से आए रुपिंदर और स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे बाउंड्री लाइन को फील किया और एक रन से संतुष्ट होना पड़ा चंद्रशेखर कैमरामैन दादा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ही सहयोग दें मेरे को मेरे लिए काम का समय भोजन बाद में तो ये कमेंट्री जब आप अपने दोनों इनिंग का ब्रेक हो जाएगा मैच का डिसीजन हो जाएगा तभी और इसी में बहुत ही सुंदर स्ट्रोक लेकिन ये हवा में जरूर गई थी गेंद लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर के पास कोई मौका नहीं कोशिश थी कि एक बार दोबारा से छक्का मारे और खिलाड़ियों से अनुरोध है कि लंच लग चुका है अगर आपको लंच करना है तो पीछे बुफे है आप दिन के लंच को ग्रहण कर सकते हैं इस बीच स्कोर मौका था पूरा रन आउट का लेकिन चूक गए ये मौका रन आउट का तीनों स्तंभ सामने थे बॉलर के पास में सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि लंच लग चुका है लंच कर सकते हैं 110 रन आफ्टर 17 ओवर्स गिरता हुआ छठा विकेट न्यू बैट्समैन
बैटिंग पे। संभवता बोले फ्लाइट देने के लिए और इस बार आगे बढ़ के ड्राइव किया सीधे मिड ऑफ की ओर। बहुत ही सुंदर फील्डिंग का नमूना पेश किया बॉलर के बड़े फील्डर ने और एक ही रन तेजी से भाग के पूरा करना पड़ा। एक तो बोला ही थोड़ा फील्ड पीछे जाती हुई राहुल इशारा कर रहे हैं कि बाउंड्री लाइन पे जाए और ये बिल्कुल सटीक जो बैट फुट पे जाके खेल रहे थे समय कम था मनीष के पास क्रीज में पहुंचने का। भाई तू तो ना दिख रहा, तू ना दिख रहा है मैं। तो 11 पे 7 विकेट। ये खेल लेके चल रहा है स्टार्ट के साथ में वाइड विकेट बॉल के लेके काफी आगे चलाए थे। लाइव कैच चल रहा हूं बल्लेबाज में दो गेंदे शेष। बैट्समैन जिन जिन खिलाड़ियों ने लंच नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि उसे लग चुका है आप लोग लंच कर सकते हैं। योगेश अब बैटिंग करने जा रहे हैं 8वें विकेट के आउट होने पे। देखते हैं कि स्कोर कहां तक पहुंचा पाते हैं बचे हुए दो 14 गेंदों में। सूर्य जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है आवाज की पारी अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ती हुई। इस टूर्नामेंट का ये तीसरा मैच आखिरी की ओर और बचे हैं। इसके बाद
रुपेन और ओमनिकॉम मीडिया के बीच आज का आखिरी और दूसरा मैच क्या रहेगा? फिलहाल इस मैच में काफी अच्छी गई तीन बार कोई निर्णय नहीं था, हालांकि लेकिन पैर भी चलने बैठ गए थे और वाइट का इशारा था। अभी ये राइट आर्म ओवर रिकवर काफी अच्छी गई तीन बार इनसाइड है और चाहते थे मना किया तो इस गेम के साथ सेमीफाइनल का क्रम संभवतः डिसाइड हो गया है। इस मैच को जीतने वाली टीम पब्लिसिस जो सेकेंड मैच हुआ था उससे मुकाबला करेगी पब्लिसिस लाइफ पैंथर से, और जो चौथा मैच होगा उस मैच में बिटवीन ओएमटी और रूपेम में उसमें जो जीतेगी वो पहले मैच के विनर जो कि डेंटसू की टीम है उससे खेलेगी। तो कुछ कुछ सेमीफाइनल जो कि है उसकी लाइन अप क्लियर होती हूँ। बॉलर में थे गिरी इस बार खेल दिया है पैलेट पे कोई फील्डर नहीं, हालांकि बहुत तेजी से आ रहे हैं बाउंड्री लाइन पे और रन लेने से मना किया। एक रन हो सकता था लेकिन उन्होंने स्वयं ही इसको और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली है। 19th ओवर खेल दिया ऑन साइड में फील्डर आ रहे फिर से रन लेने से मना किया, हालांकि दो रन मिल सकते थे यहाँ पे। अमित ने अनुरोध है कि वो स्टे होगा जरूर जल्दी से ग्रुप एम के कैंप में लाके दें। अमित अक्की अक्की काफी अच्छी टीम पे खेला, काफी अच्छी टीम वहाँ पे निश्चित रूप से एक नया बताए अपनी टीम के लिए। क्या मैच के शुरू होने के पहले ही ग्रुप एम के किसी प्लेयर को थोड़ा चोट लगी है? बड़े अजीबोगरीब ढंग से खेलने की कोशिश इस गेंद को बीत हुए बुरी तरीके से और विकेट कीपर ने बाकी आराम किया। मैच का परिणाम लगभग निश्चित, इसके बीच में बार अपील मना किया अंपायर ने। इसके बाद एक ओवर और और इसका फिर ओवर की समाप्त। जैसे मेरे साथी कमेंटेटर ने भी बताया कि अगला मैच ग्रुप एम वर्सेस ओएमडी के बीच में होगा, दोनों टीमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। अब देखते हैं कि अगले मैच में क्या हुआ, जो भी अगली टीम जीतेगी मैच का डेंसी से अगले शनिवार को। इस बीच आखिरी ओवर कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है जहां पे ओमनिकॉम आना चाह रहे हैं उनके अनुभव। एसटी मैनेजमेंट सट्टेबाजी के खिलाफ काफी सख्त है। लाइव चल रहा कोई रन नहीं, एक रन मिल सकता था मना किया। पैंतीस बजा के खेल दिया इसको गैप में, चार रन मिलने चाहिए यहाँ पे। हालांकि अब इन बाउंड्रीज का कोई बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं जाता है, बस हार का अंतर कम होगा इन दोनों से। प्लेयर के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए
मुद्दा हो सकता है। इस फिर से खेल दिया, एक मौका है यहाँ पर आउट होने का, अच्छी फील्डिंग वहाँ पे, पहले तब तक जिसको पकड़ा वापस किया बॉलर को, कोई रन नहीं। एक रन हो सकता था, नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े बैट्समैन काफी असंतुष्ट, बैकफुट पर पुश किया इस बार सीधे फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। मुझे लग रहा है कि वो एक रन लेने के मूड में ही नहीं है। और इस प्रकार से ये मैच समाप्त, और इनिशिएटिव मीडिया ने काफी अच्छे अंतर से इस मैच को जीता है। स्कोरर से हम लोग अनुरोध करेंगे एक बार बता दें फाइनल स्कोर, 122 रन पर यहां पर मैच समाप्त होता हुआ। डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, डीजे ब्रावो, चैंपियन चैंपियन। मेरा अनुरोध है कि एक बार टॉस करा लेते हैं दूसरे मैच के लिए। दोनों टीमों के कप्तानों से अनुरोध रहेगा कृपया टॉस के लिए जल्द से जल्द मैदान पर पहुंचे। काफी अच्छे मैच रहे अभी तक, हाई स्कोरिंग मैच रह रहे हैं, 200 से ऊपर का स्कोर बन रहा है। तीनों मैच में जो टीम पहले खेली है उसने 200 का आंकड़ा पार किया है पहले मैच में, ये ट्रेंड सेट हो चुके हैं और वही टीम जीत भी रही है। तो दोनों टीम को के कप्तान इस बात का ध्यान रखें टॉस जीतने के बाद। इस बीच में मैं बात करना चाहूंगा राहुल से निवेदन है कि एक बार मंच पे आए और साथ में वेंकट सर जी। वेंकट सर एंड राहुल प्लीज कम वन बाय वन। वेंकट सर आपसे पहले अनुरोध है कि एक बार रुपेश पे आए, रुपेश क्रिकोनेट। तो अभी हमारे साथ आवाज वॉरियर्स के कैप्टन हैं सर, ये जो मैच हुआ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल सर इज द गेम एंड आई बिलीव दैट इट्स इररिस्पेक्टिव वेदर विच टीम विल विन और लॉस, बट इट्स अ विन फॉर द गेम एंड वी हैव सो मच लव यू। Your points taken. Thank you so much and all the best. Thank you, Havas Warriors team, for coming up here and for a great enjoyment. Thank you. Now, I would like to invite the winning captain, Rahul, to please come to the stage. Great. Congrats, Rahul, for a fantastic performance, for your score out here. Vijay and Ritesh were spectacular when it comes to their batting, and even in the bowling field, your team was fabulous on fielding side. Few words on the game which we have seen today.
Anuj, Anuj, Bojan. We have seen that, and it was a great match which has been there between Initiative and Havas Warriors. Congratulations, Initiative team. We will see you soon in the next match, next weekend. In the meanwhile, can I request the team to stay back here. There are some awards on an individual basis. We would like to present each and everyone the same thing. Power performer goes to Mr. Sagar from Havas Warriors. Mr. Sagar. Sagar, can I request you please come up here? Sagar. So. Sagar, can we have a big round of applause for Sagar for power performer? And best batsman goes to Mr. Rupender from Initiative Avengers. Rupender, jinhone ek achcha tak ye pari ki. Rupender scored 57 runs in 42 balls. And he has taken 2 wickets also. So it's an all-round performance given by Rupender. Best bowler goes to Mr. Rupender from Initiative. 2 over 31 and 2 wickets. Award will be given by Mr. Siddharth Chopra. Well played, Upendra. And this is the trophy for which we are awaited. We all know to whom it will go. Man of the match, Mr. Vijesh. Guys, Vijesh has scored a century here, at least first century of this tournament. Well played, Vijesh. We all love the way you played. Thank you so much for the tournament.